नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पहला मेरा जो पॉडकास्ट है सिटिंग एमपी के साथ है, लेकिन जब मैं एमपी के साथ बैठा हुआ हूँ तो मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं एमपी के साथ बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है और हम उम्र हम ज्यादा लगते हैं। हाँ। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये कि जब आप इनसे बात करते हैं तो आई थिंक इनसे ज्यादा पोलाइट इंसान कोई नहीं है। आधे के साथ ही सबसे पहले मुझे चाय मिली थी, चाय पिलाई इन्होंने, बड़े आदर के साथ बिठाया और उसके बाद में आप चेहरा देख ही रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इनकी मुस्कुराहट के पीछे जो है ना वो एक कवि भी छुपा है, एक पॉलिटिशियन भी छुपा है और एक जर्नलिस्ट भी छुपा है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने टाइम दिया मुझे और काफी दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि इमरान जी से बात करिए, इमरान जी से बात करिए, तो फाइनली आज आप हैं। तो सबसे पहले प्रतापगढ़ की कुछ यादें बताइए, बचपन की यादें बताइए, कैसा था बचपन आपका? बिल्कुल एकदम गांव के बच्चों का जैसे बचपन होता है, छोटे से गांव में और मुख्यालय से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर, इसको आप खांडी गांव कह सकते हैं, वहां पैदा हुआ, पढ़ाई वहीं हुई गांव में ही, नर्सरी स्कूल हुआ करते थे पहले, और उसके बाद फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुआ करते थे, वहाँ पढ़ाई हुई। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 8वीं तक हुआ करता था। फिर हाई स्कूल थे तो वहाँ से हाई स्कूल पास किया, फिर इंटरमीडिएट करने के लिए पहली बार शहर आया, शहर आया शहर बसों पे लटक करके और जीप चला करती थी पहले, तो उन सबसे पढ़ाई के लिए आया, 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाते थे, तो वो बड़ा मजे का, जिसको कहते हैं ना कि गांव की मिट्टी में पले बढ़े, तो उसे महसूस करने का खूब मौका रहा। इंटरमीडिएट करने के बाद जिद करके पापा नहीं चाहते थे मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊँ, यानी कि इलाहाबाद हमारे लिए बाहर था, तो 70 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, तो ये हुआ कि मुझे लगा कि नहीं मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग रौब है, भौकाल है, इलाहाबाद भाषा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने के लिए छुप छुपा के उसका एंट्रेंस का एग्जाम दिया। अच्छा, पिताजी नहीं चाहते? पिताजी नहीं चाहते थे और उन्हें बताया भी नहीं कि मैं एंट्रेंस दे रहा हूँ, एंट्रेंस दिया, एडमिशन हो गया, एडमिशन लेने के लिए फीस मांगी, तब पता चला उन्हें कि, तो एक आध दिन नाराज रहे, फिर बड़ी मुश्किल से पैसे वैसे दिए, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो प्रतापगढ़ जो है वो बहुत खूबसूरत यादें हैं वहाँ से, और बड़ा संघर्ष वाला लेकिन खूबसूरत, जो बचपन में उतना संघर्ष हर बच्चे की जिंदगी में होना भी चाहिए, तभी जाकर के वो मेरा ख्याल है कि वो जो किशोरावस्था है इंसान की वो थोड़ी सी सुदृढ़ और अच्छी बन पाती है। तो उस दौरान मुशायरे सुनने का खूब मौका, प्रतापगढ़ में कभी समय मुशायरे खूब होते थे, पापा को शौक था सुनने का, तो वो जाते थे सुनने के लिए, तो मैं भी जाता था उनके साथ, तो धीरे धीरे जिंदगी अपने रास्ते पे चल पड़ी। रास्ते पे आएंगे अभी हम, प्रतापगढ़ में ही अभी मैं रहूंगा थोड़ी देर। बचपन की कोई शरारत याद है, जब मार पड़ी हो आपको कुछ हरकतें? खूब मार पड़ती थी, मतलब कोई किस्सा याद थोड़ी नहीं है। वो अमूमन होता क्या था ना, क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने का बड़ा जुनून था उस वक्त। अच्छा, तो क्रिकेट खेलने के लिए क्लास बंक कर देते थे। अच्छा, तो अब क्लास और घर की दूरी, स्कूल और घर की दूरी बहुत ज्यादा थी नहीं, और वो छोटे जो कस्बाई इलाके हैं, गांव है, बाजार जिसको आप बोलते हैं, वहाँ आप बहुत छुप छुपा नहीं सकते, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो किसी ना किसी की नजर ऐसी पड़ जाती है, जो थोड़ी देर बाद आके पिताजी के पास बैठा होता है, कह रहे हैं वो आपका बेटा तो वहाँ क्रिकेट खेल रहा है, तो पता चला पापा के पास मोटरसाइकिल होती थी राजदूत उस समय, तो राजदूत का भोकाल, हाँ राजदूत का भोकाल था, तो उसकी आवाज दूर से सुनाई पड़ जाती थी, तो एक कान तो जो है ना वो ग्राउंड पे रहता था और एक कान रहता था कि वो राजदूत की आवाज सुनाई पड़े या नहीं पड़ी, और जैसे ही राजदूत की आवाज सुनाई पड़ती थी तो चाहे गेंद हाथ में हो या बल्ला हाथ में हो, तो हम रन लेने के लिए दौड़ पड़ते थे, और वो क्रिकेट ग्राउंड से बाहर की दौड़ होती थी कि भागो नहीं तो पिटोगे, फिर घर आते थे तो पिटाई होती थी खूब। और मुझे पेड़ लगाने का बहुत शौक था, फूल के पेड़, गुलाब के, और उस समय गुलाब नर्सरियों में बिकते थे उनके पेड़, तो पापा कभी जैसे 10-20 रुपए 25 रुपए, उस समय 10 रुपए बहुत होते थे, तो वो मिलते थे तो उनके मैं गुलाब के पेड़ खरीद लाता था, तो उसके लिए भी काफी पिटाई हुई है कि पैसे बर्बाद करते हो, तो गुलाब 4 दिन बाद पता चला हमारे पास घर में छोटा सा एक घोड़ा था, पापा को शौक था, तो वो पता चला उसके आसपास ही थोड़ी सी जगह थी जहाँ पेड़ लगाना रहता था, तो दूसरी सुबह हम शाम में पेड़ लगाते थे, सुबह घोड़ा चले वो पेड़ चढ़ जाते हैं, तो उसके लिए भी काफी पिटाई हुई है। और मेरे साथ एक दोस्त था श्रीकांत, वो पढ़ता था, तो सामूहिक रूप से पिटाई होती थी, जब पकड़ में आते थे तो पापा का लगता था कि श्रीकांत ही खराब कर रहा है इनको, तो श्रीकांत भी पिटता था, हम भी पिटते थे, बाद में फिर हंस करके दोनों साथ में दूसरे दिन फिर क्लास बंक कर देते, तो वो बड़ी मजे की जिंदगी थी। और पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और
इसलिए वो पूरा फोकस उनका रहता था कि मैं पढ़ूं पढ़ूं। मुझे जिंदगी कहीं और ले जा रही थी लिटरेचर की तरफ, तो मेरा ध्यान उधर रहता था। तो बड़ी जिसको कहते हैं ना कि बड़ी कोई प्लान जिंदगी नहीं थी। शहरों में तो बच्चों को ये होता है कि हाँ एट्थ करने के बाद बच्चे का एक डायरेक्शन तय हो जाता है उसे किस फील्ड में जाना है। गांव में तो यह है कि आप पहले हाई स्कूल करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, तब 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 तय होगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, या फिर कहीं और जाना है। बीच में अगर कोई नौकरी जैसा लगने का कुछ आया तो फिर सब कुछ खत्म होता है। कभी कभी तो ग्रेजुएशन के बाद ही पता नहीं होता कि करना क्या। हाँ, हम लोगों को तो सही में पता नहीं था, तो जिंदगी वही थी एकदम गाँव वाली। हाँ, तो सांसद जी की काफी पिटाई हुई है बचपन में। वहां से अब वापस जब आप आ जाते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया, तो वहां पे कॉलेज था आपका। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। और देखिए इलाहाबाद जो है ना वो प्रयागराज तो हमेशा से था। हाँ, प्रयागराज स्टेशन हुआ करता था। जब मैं पहली बार प्रतापगढ़ से ट्रेन में उतरा तो प्रयागघाट स्टेशन पे उतरा था। प्रयागघाट तो वो स्टेशन आज भी है। तो प्रयागराज तो वो हमेशा से था। ये नाम बदलने की जो संस्कृति नई नई पनपी है उससे शहरों के मिजाज भी बदल जाते हैं। तो वो इलाहाबादी पन जो है वो जिसने उसको जिया है उसके मन से कभी वो बात निकलती नहीं। तो इलाहाबाद आके बड़े ख्वाब थे, बड़ा सपना था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहाँ फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के फैज ने, अहमद फराज ने, किसने किसने, कैफी आजमी ने शायरी पढ़ी है। तो बड़ा सपना था, आए लगता था कि आते ही क्रांति हो जाएगी। एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन के तो समझ में नहीं आया, कोई दोस्त नहीं बना, तो मन नहीं लग रहा था यूनिवर्सिटी में आने का, पढ़ाई करने का, क्लास अटेंड करने का, क्योंकि बिल्कुल मिसमैच था जो शहर की जिंदगी थी उससे, बिल्कुल मिसमैच था। और बिल्कुल खांटी गांव के एकदम से शहर आ जाओ आप, और वो भी पापा से जिद करके, फैमिली से जिद करके। तो अच्छा, तब तक बहुत बड़े भी नहीं हुए थे तो शहर में अकेले रह पाना भी एक बड़ा मुश्किल काम था। आप घिरे होते हैं जब आप छोटे शहर में होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ आपकी अपनी मनपसंद जिंदगी होती है, कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ वक्त आसानी से कट जाता है। शहर में तो आप यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी में क्लासेज अमूमन नहीं चलती हैं। हाँ, तो आप फिर लौट के आप जब जहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल में रहने का कभी मन हुआ नहीं, तो खुद रूम लेकर के रहते थे, खुद खाना बनाते थे। तो वो बड़ी मुश्किल। अभी बनाते हैं दाल चावल, बहुत अच्छा बनाता हूँ। हाँ, अपनी पसंद का दाल चावल, दोस्तों को भी पसंद है। मटर पनीर बहुत अच्छी बनाता हूँ। और वैसे की जिंदगी थी कि मेरे जितने भी दोस्त रहे, जो रूममेट रहे उनको आप कह सकते हैं, तो वो एक कमलेश जी थे, एक राम बाबू जी थे, तो सब जो है वो शाकाहारी थे। कहाँ है शुद्ध वो है दोस्त है अभी भी हर्ष में, तो वो सब शाकाहारी थे। अच्छा, तो वो शाकाहारी होने की वजह से एक आघोषित सा समझौता था कि कभी कमरे पर, मतलब रूम में एक कुकर होता था, एक बड़ी मुश्किल से भगोना होता था, तो उसमें यह था कि नॉनवेज नहीं बनाया, एक उनके सम्मान में कभी खाना हो तो बाहर चले गए होटल पे खा लिया, लेकिन घर पे मतलब उस रूम में कभी नॉनवेज नहीं बना। तो फिर दाल चावल बनाना ज्यादा बेहतर तरीके से आया। और इलाहाबाद में बड़ी प्रचलित है तहरी, बच्चों के लिए स्टूडेंट्स का तहरी बनता है, वो सारी सब्जियां थोड़ी सी दाल चावल मसाला मिला करके सब एक साथ पक गया, तो झंझट ही खत्म। और वो आसान भी है पकाना, आसान भी है और सबसे प्रिय भोजन है वो। हाँ, उसकी आदत भी बन जाती है बचपन से, जैसा टेस्ट आपका डेवलप होता है तो वही चीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं कि माँ कोई चमत्कार कर देती है या उसने कहीं अलग से सीखा हुआ होता है, दरअसल बचपन से वही आपको वही जायका आपके डेवलप हुआ है। तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आज आप फाइव स्टार होटल का खाना भी खाओ तो आपको लगता है कि माँ के हाथ की रोटी ज्यादा अच्छी है। तो बस वो मसला वही है, वो डेवलप हुआ है वो टेस्ट, तो वही रहा जिंदगी में। तो वो चीजें अभी भी चल रही हैं। तो अभी खुद बनाते हैं यहाँ पे? हाँ कभी कभी बना देता हूँ, मुझे जब मन करता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं मैं बनाऊंगा, तो खुद बना के खाते हैं, अच्छा लगता है। तो किस दिन मैं आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, स्वागत है। आप आ रुके, अभी शाम में दाल चावल बना के खिलाते हैं आपको। बताइए कितनी बड़ी बात है, सांसद साहब मुझे खाना बना खिलाएंगे। और उसके बाद तो देखिए, सांसद हो जाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जो असल जिंदगी है उसको दरकिनार कर दें। इसीलिए मैंने क्या बोला, हॉब में आ जाएं। इसीलिए मैंने बोला ना शुरू में, मैंने बोला कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं एमपी साहब बैठा हूँ। और ये अभी जब मैं आपकी टीम से बात कर रहा था तो वो लोग बोल रहे थे कि आइडिया कहाँ से आया, तो मैंने उनको किस्सा बताया।
कि जब मैं आपसे उस दिन मिला था, जब आप हमारा एक इंटरव्यू चल रहा था, तब आपने मुझे बोला था कि इमन जी कुछ पर्सनल सा होना चाहिए। हाँ, जो होना चाहिए। देखिए, राजनीति ने इतना ज्यादा आवरण बढ़ा दिया है सारे एमपीज या फिर जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, इनकी कोई व्यक्तिगत जिंदगी है ही नहीं, आम जिंदगी है। अरे भाई, हम भी वही एकदम गांव के लोग हैं, हमें आज भी गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, हमें आज भी खुद खाना बना के खाना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता है। बस ये कि जिंदगी इतनी अजीब हो गई है, कभी-कभी मतलब गुस्सा आता है इस पूरी जो एक झूठी जिंदगी है, जैसे आप झूठी जिंदगी कि आवरण ओढ़ के चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर के पुराने इंसान को बचा के। वेरी गुड। अब इलाहाबाद में भी आप होके आ गए और हम प्रतापगढ़ में भी हो गए, दिल्ली में आए। हाँ, तो दिल्ली में कैसे आना हुआ और राजनीति बाद में आएंगे, पहले दिल्ली जब आए आप, पहली बार दिल्ली कब आए और कैसा रहा? देखिए, मैं 2012 के आसपास, मैंने 2008 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य से परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हिंदी साहित्य से किया। अच्छा, स्नातक बोलते हैं आपको, ग्रेजुएट परास्नातक बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ये दोनों पता नहीं। मैंने परास्नातक किया, फिर पीएचडी करना चाहता था हिंदी लिटरेचर से ही, तो उस दौरान मुशायरों में जिंदगी कवि सम्मेलनों में शुरू हो गई थी, थोड़े पैसे मिलने लगे थे, पहले शुरू में 100 रुपए, 500 रुपए और एक शॉल। अच्छा, ये चलिए बड़ा हो जाएगा। हाँ, मैं रोकती हूँ यहीं पे। पहला मुशायरा और पहले पैसे कितने थे और कहाँ पे थे? पहली बार 100 रुपए मिला था, कहाँ? मुझे याद है, प्रतापगढ़ में ही एक कवि सम्मेलन था, वहाँ एक बड़े हिंदी के अवधी के भाषा अवधी भाषा वहाँ बोली जाती है, जिस पर रामचरित मानस लिखा गया, उसमें आदर प्रसाद उन्मत्त जी थे। अच्छा, वह अवधी के बहुत अच्छे कवि, बहुत बड़े कवि, जितना उन्हें लिखा पढ़ा जाना चाहिए था उतना उनके साथ न्याय नहीं हुआ मुझे लगता है, तो उनको सुनते थे तो बड़ा लगता था कि कविताएं, फिर उनके सानिध्य में आया तो कवि सम्मेलन में थोड़ी थोड़ी कविताएं, हिंदी कविताएं लिखता था मैं, तो पहली बार उन्होंने एक कवि सम्मेलन में बुलाया। अच्छा। और 100 रुपए पेमेंट दिए थे। कब की बात है ये? बात है 2008 के आसपास की, 7-8। उससे पहले होता क्या था ना कि जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था तो प्रतापगढ़ में केपी इंटर कॉलेज है और राजा भैया का कॉलेज है, तो उस कॉलेज से मैं इंटरमीडिएट कर रहा था, तो एक लिटरेचर था अंदर, तो पोएट्री कंपटीशन हो रहा है, डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, तो मैं नेशनल मतलब मुझे फर्स्ट पोजीशन रही डिबेट में, कई चीजों में। अच्छा, इसमें एक और किस्सा है ना, वो यूपी का आपको सबसे बड़ा, वो 2016 में, उसका जिक्र करेंगे। तो उसके बाद कभी से मैंने जब सुनते थे मुझे लगता था यार, कभी खड़ा होकर के, शायद खड़ा होकर के देश के सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति पे भी जिस तरह से चाहे वो टिप्पणी कर सकता है, कविताएं सुना सकता है, तो वो बड़ा एक मतलब लगता था कि नहीं यार, ये बहुत शानदार चीज है। तो धीरे धीरे वो डेवलप होता चला गया, फिर मुझे लगा कि अब कवि सम्मेलनों की तरफ जाना चाहिए, कविताएं लिखनी शुरू की, स्वर अच्छा था, पढ़ अच्छा लेते थे, तो मंजीयता थी, क्योंकि इंटरमीडिएट के दौरान, हाई स्कूल के दौरान स्टेज जो स्कूल के प्रोग्राम्स होते थे, कॉलेज के प्रोग्राम होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करता था, संचालन करता था, तो वो सारी चीजें शुरू से थी, झिझक शुरू से खत्म थी, तो इस वजह से कवि सम्मेलनों में जाना शुरू किया। पहली बार 100 रुपए मिले तो बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरी बार मुझे याद है कि 250 रुपए मिला था, फिर एक आध कवि सम्मेलन का जब आमंत्रण आया तो उसमें पहले पोस्ट कार्ड का आमंत्रण आता था, क्योंकि मोबाइल तो था ही नहीं, तो उसमें लिखा रहता था कि आपको मानदेय के रूप में 500 रुपए दे देंगे और साथ में शॉल दी जाएगी। वाह, वो तो मेरे पास खूब सारा कलेक्शन रहा शॉल का, बहुत अच्छा सा, तो वो बड़ी शानदार जिंदगी थी। धीरे धीरे वाह वाह एक प्रोग्राम होता था, तो उसमें बुलाया गया 2010 में, शायद 10 था शायद, हाँ या 11, तो उसमें आया, तो पहली बार टीवी पे आया तो अखबारों में खबरें छपी, भोपाल बना। उसी दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू हुआ था, एक साल का डिप्लोमा जर्नलिज्म का, फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन, तो कुछ दोस्त थे जो एडमिशन ले रहे थे, तो फीस नहीं थी अपने पास, तो जोड़ डांट के किसी तरह की चलो थोड़ा जर्नलिज्म भी करते हैं, तो एक साल जर्नलिज्म भी किया, और उस दौरान समझ में आया कि नहीं, हाँ
मीडिया और सब का रोल क्या है। फिर वही एहसास हुआ कि नहीं, हम खबर बनाने के लिए नहीं बल्कि खबर बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो वो फील आया अंदर से। और उसी साल जब आए प्रोग्राम में सब टीवी के, तो सब टीवी में देखने के बाद फिर देश भर से कवि सम्मेलन में बुलाया जाने लगा। तो फिर वो 2000, फिर 3000, फिर 5000। हम तो कवि सम्मेलन जाने का टाइम भी नहीं रहता होगा। हाँ, आप बड़ा मिस करते हैं। मेरी बात हुई थी एक दिन सुनील जोगी से, तो बोल रहे थे कि इमरान भाई से पता नहीं मुझे यार, मैं कब मिला हूँ और इमरान भाई से मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा तो कभी भी मिलो, कोई मिलता है उन्होंने नंबर भी लिया था आपका। तो हाँ, सुनील भाई से कवि सम्मेलन में एक दौरान जो जब मैं हिंदी कवि सम्मेलन, जो कवि सम्मेलन जैसे आप कह सकते हैं, जब उसमें खूब सक्रिय था, वो समय था 2008-09 से आप शुरू कर लें, और 2013 ये चार पांच साल, और इस दौरान सारे लोग सुरेंद्र शर्मा जी, हरिओम भवान जी, कुमार विश्वास जी, विनीत चौहान जी, सुनील भाई, तो ये सारे लोग कवि सम्मेलनों में इनके साथ खूब यात्राएं रही और खूब मजे का सफर रहा, देश भर घूमा मैंने, और पैसे भी खूब अच्छे मिलते थे। तो 15,000 उस समय, 15,000 रुपए मतलब आज करोड़ों की उसकी ताकत बहुत बड़ी थी। तो फिर ये हुआ कि अब पैसे आने लगे, तो गाड़ी खरीदी जाएगी, तो बाइक खरीदी, तो कौन पैसे से उस समय बजाज ने डिस्कवर लॉन्च की थी, और बहुत पॉपुलर थी। हां, बहुत पॉपुलर थी, अच्छी लगती थी। तो पल्सर थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं यार, महंगी भी थी और लगता था कि स्पोर्ट्स बाइक है, और पापा तो बाइक चलाने ही नहीं देना चाहते, मतलब उनको लगता था कि गाँव में आज भी सारे पिताओं को ये लगता है कि बेटा अगर बाइक चलाएगा तो ओवर स्पीड करेगा और लड़ेगा, उनके दिमाग में रहता है। तो वो लेने नहीं देना चाहते थे, बड़ा लड़के बाइक खरीदी, अपने पैसे से खरीद रहा था, तो खरीद पाया, उन्होंने खरीदने भी ना देते। फिर कवि सम्मेलनों का सफर चलता रहा। 2013 में मुशायरों में एक तरह से स्विच करके मुशायरों में आया, और मुशायरों में और शोहरत मिली। दिल्ली आए आप जब, दिल्ली में कहाँ रहे शुरू में? दिल्ली आया मैं, दिल्ली में जेएनयू में मेरे कुछ दोस्त थे। अच्छा। क्योंकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, तो उनसे मिलने के लिए एक दो बार आया। अच्छा, होता क्या था कि कनेक्टिविटी नहीं थी, इलाहाबाद से फ्लाइट नहीं थी उस समय, लखनऊ जाके फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी अगर कहीं मुशायरों में जाना है। तो 2012 में पहली बार मैं जद्दा मुशायरे में गया, एम्बेसी ने बुलाया मुझे। अच्छा। जद्दा मतलब सऊदी अरब हो गया। आप सऊदी अरब जब वहां गया तो दिल्ली आना पड़ा फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो दिल्ली फ्लाइट पकड़ने के लिए आते थे, पहली बार तब आया था। और उसके बाद फिर आता रहा बीच बीच में, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कभी एक दो चार दिन रुकने के लिए आया, तो वो जेएनयू चले आया, दोस्त थे जामिया में कुछ दोस्त थे, इस तरह से इनसे मिलता था, हॉस्टल रुक गए दोस्तों के साथ, रुक सकते थे, होटल अफोर्ड कर सकते थे उस समय, लेकिन लगता था कि दोस्तों के साथ रहना अलग ही मजा, और हॉस्टल की लाइफ, जेएनयू वाली लाइफ, वहां का खाना पीना, तो वो ब्रह्मपुत्र में बैठे हैं दोस्तों के साथ, तो बड़ा मजा आता था। तो उस तरह से 15-16 में रेगुलर आने लगा। 16 में यश भारती मिली, यश भारती स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड दिया सरकार ने, अभी भी है, बंद कर दिया है महाशय ने, नए मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन उस समय बहुत चार्म था उसका, क्योंकि बड़ा पुरस्कार है वो। और मेरे ख्याल से आप सबसे यंग थे जब आपको वो, 29 साल की उम्र में मिला, और शायद सुनील जोगी को भी उसी साल मिला, उनका मिला हुआ है, शायद था उनको मिला हुआ, उनको तो कई तरह के कई कई सरकारों के बाद मिले, वो सर्वत्र व्याप्त व्यक्ति है, तो उनको मिले हुए हैं। तो अच्छा रहा, वो उस समय हमारे यहाँ हिंदुस्तानी अकेडमी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था उनको। अब मेरा सवाल ये है कि आपको पता नहीं था आपको करना क्या है, पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, आप कविता कर रहे थे, फिर आपने जर्नलिज्म भी कर लिया कि चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो एक कवि जिसको पता नहीं था क्या करना है, फिर उसकी राजनीति में कैसे एंट्री होती है? कवि सम्मेलन पढ़ रहा था, तो मैं कविताएं प्रेम की बड़ी मतलब शांत सी कविताएं, जैसा कि एक भावुक युवा अवस्था में लिखी जाती है, वो लिख रहा था। लेकिन मुझे उसी दौरान देश में ऐसा कुछ घटित भी हो रहा था जो समाज को तोड़ रहा था, समाज को बांट रहा था। 2013 के आसपास आपने देखा होगा कि कई तरह के मूवमेंट हुए देश में, एक अन्ना मूवमेंट हुआ जिसमें कई कई लोग नेता बन गए, और एक नई सरकार का जन्म भी। अच्छा, मैं इतना तब तक देश घूम चुका था, तो मुझे ये लगा कि अन्ना आंदोलन के दौरान मुझे भी मतलब न्योता आया, सबको न्योता जा रहा था, जो भी थोड़े बहुत पॉपुलर लोग थे अलग अलग विधायक, मुझे भी न्योता आया। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लगा कि नहीं, ये आंदोलन आंदोलन जैसा नहीं है, इसके पीछे कोई है। जबकि मैं उस समय बहुत मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत मैच्योर था,
आज से 10 साल पहले, 10 साल हो गए, 10 साल पहले, जाहिर सी बात है 25 साल का लड़का गांव का छोटे शहर का कितना मैच्योर हो सकता है। तो मैं भी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इस आंदोलन के पीछे आरएसएस है। जब तक इतना समझ गए थे कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, सेंटर क्या है, और उस दौरान ही नहीं आया था उसमें। फिर मुझे लगा कि एक कवि सम्मेलन और मुशायरों में एक, मैं मतलब थोड़ी सी ये राजनीतिक बात है, उसी दौरान मैंने ये देखा कि एक दल है जो कवि सम्मेलनों का बहुत राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा था। संस्कार भारती उनका एक संगठन है, उसके बैनर तले कवि सम्मेलन होते थे छोटे छोटे शहरों में। आज भी छोटे कस्बाई इलाकों में कवि सम्मेलनों को लेकर के, कवियों को लेकर के बड़ी श्रद्धा पूर्वक एक आदर है उनका, उनको बौद्धिक माना जाता है। तो मैं देखता था कि 5,000, 7,000, 10,000 की भीड़ आराम से किसी कवि सम्मेलन में उपलब्ध हो जाती थी, किसी भी कस्बे में जो हिंदी भाषी भारत है उसमें। और फिर वहां एक तरह से वैचारिक तौर पर अपनी विचारधारा की कविताएं होती थी। मैं उस मंच पे अकेला मुसलमान होता था, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो दिखता था कि कविता कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ आके खत्म हो रही है और इस पूरे कार्यक्रम की मंशा क्या है, तो धीरे धीरे समझ आने लगी थी मुझे। तो मुझे लगा कि यार देश में कवि सम्मेलनों का ये इस्तेमाल हो रहा है, मुशायरों का ये इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इस प्लेटफॉर्म का राजनीतिक इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब मैं राजनीतिक इस्तेमाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी रात कवि सम्मेलन मुशायरे हो रहे हैं, महबूबा के जुल्फ आंचल लबो रुखसार हो रही है, एक सार्थक बात होना चाहिए, मुझे लगा कि इससे मैसेजिंग होनी चाहिए। फिर 13-14 वही जो समय था, सरकार बदली, परिस्थितियां बदली, थोड़ा थोड़ा रचनात्मकता पे भी कैंचियां चलने लगी, थोड़ा शिकंजा कसा जाने लगा, वो सब मेरे बाल मन पे बहुत असर डाल रहा था। और फिर जब मैं मुशायरों में थोड़ा पॉपुलर हुआ, मैंने कुछ मुद्दों पे नज़्में कही और फिर वो बहुत पॉपुलर हुई। वही दौर था जब मल्टीमीडिया मोबाइल लोगों के हाथ में आ रहा था, ब्लूटूथ से चीजें ट्रांसफर होती थी, शेयर होती थी, तब तक सोशल मीडिया नहीं आया था, और कुछ चिरकुट टाइप की कोई एक उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो उसी दौरान एंट्री कर रहा था, हाँ, फेसबुक धीरे धीरे, तब तक हम लोग पीछे डाल, हम लोग उससे पीछे ही थे, कैफे वाले लोग थे नहीं, इंटरनेट बाकी और तरह से जिंदगी में था नहीं, जो जीमेल तक का बहुत ज्ञान नहीं था। तो उसी दौरान फिर मैं मुद्दों पर आधारित होकर, मुझे लगा कि नहीं यार, आप कविता को, आप शायरी को राजनीति से अछूता नहीं, क्योंकि समाज में जो घट रहा है, आप जब ये कहते हैं कि कवि और शायर समाज का दर्पण है, ये प्रचलित कहावत है, मुहावरा है, हर कवि ये मानता है कि हाँ हम समाज का आईना है, तो जो समाज में घट रहा है उसे क्यों ना दिखाएं, और जब आप समाज में जो घट रहा है उसको दिखाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि एक बड़ी ताकतें ऐसी भी हैं जो नहीं चाहती कि जो समाज की सच्चाई है वो देश दुनिया के सामने आए। मीडिया चीजों को छुपाने लगा था, मीडिया ने अपने पक्ष तय कर लिए थे, तो बहुत ऐसा सच था जो छुपा रह जाता था। तो मुझे लगता था कि मेरा काम यह है कि मैं उस सच को लेकर के अपनी भाषा में, अपनी विधा में दुनिया के सामने लाऊं। 2016 में जब 2015 में जब अखलाक को लिंच किया गया, तो मैंने एक नज्म कही उस दौरान, और मुझे याद है कि मैंने जामिया में मुशायरा था, मैंने पढ़ी, तो मेरे साथ लोग रोए उसमें। नजीब 16 में हुआ, तो मैंने नजीब पर एक नज्म कही, वो बहुत सुनी गई पूरे देश दुनिया में। तो मैंने कश्मीर पे नज्म कही, मतलब जो विषय थे इस कश्मीर वाली, अगर कश्मीर की बड़ी अच्छी नज्म है और वो बहुत सुनी गई, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हो, मुझे लगता था कि कश्मीर को कभी सियासत के चश्मे से देखा जाता है, कभी सियासत के ही चश्मे से देखा जाता है, कश्मीर को कश्मीर के चश्मे से किसी ने नहीं देखा। इस शब्द कश्मीरियत पिस रही थी, मैं कभी कश्मीर गया नहीं था, लेकिन शायर कभी कल्पना के थ्रू पहुंचता है। तो मैंने नज़्म कही, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिलकर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई जागीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। वो नज्म जो है वो बहुत पॉपुलर हुई, बहुत सुनी गई दुनिया भर में, बाहर भी मुशायरों में, दुबई, ओमान, दोहा, कहाँ जहाँ जहाँ देश में दुनिया के भारतीय लोग रह रहे हैं, उर्दू हिंदी के लोग रह रहे हैं, वहां सुना जाने लगा। पहली बार कब न्योता आया कांग्रेस से, और कांग्रेस ही क्यों? देखिए, मैं, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं समाजवादी को चुन सकता, बहुजन समाजवादी पार्टी को चुन सकता। तो चूंकि मुझे 16 में यश भारती मिली, सपा से रिश्ता यूं अच्छा था क्योंकि
धर्मेंद्र यादव यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर थे। अच्छा। तो जो छात्र राजनीति थी उनमें बड़ा दखल था उनका। मैं अपनी कवि सम्मेलन और थोड़ा साहित्यिक होने की वजह से यूनिवर्सिटी में पॉपुलर था, तो जिसको भी छात्र राजनीति करनी रहती थी हमारे जैसे नौजवानों की, उनको बड़ी आवश्यकता रहती थी कि आइए आइए मंच सजा बनाइए। अच्छा, हम लोग भी जैसे होता है कि हम तो गांव से आए थे, वो शायद जमाल का शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं, क्या करूँ मजबूरियां हैं, गाँव से आया हूँ मैं तेरे साहिल पे आया हूँ कि देखूँ तेरा जर्फ, ऐसा समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा। हमें मंच की जरूरत थी, वो किसी का भी मंच हो। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ सजाए मंच, वो किसी भी पार्टी का हो, हम आए, हम मंच पे खड़े हुए और उसके बाद हमने अपना उस समय जो तात्कालिक चीजें थी कविता सुनाई, महफिल लूटी, पुरस्कार मिला या मानदेय मिला, सौ मिली, बात खत्म। जिस वजह से अभी भी घेरा जाता है कि आप उनके मंच पे क्यों थे, अरे वो बड़ा कमाल था, उनके लिए गाना क्यों पड़ गई, जबकि उसकी पूरी सच्चाई हाँ होती थी कि आप ठीक है। अच्छा, हम ऐसी ये वैसा ही है, मैं बता दूं आपको, ऐसी जगह पैदा हुई ना, हाँ, प्रतापगढ़, दाहिनी तरफ नजर दौड़ाओ तो फलाने सिंह, दाहिनी तरफ नजर दौड़ाओ तो फलाने भाई, उधर नजर दौड़ाओ तो एक दिन के ऊपर मतलब जिस जिले में जाओ एक माफिया एक बाहुबली बैठा हुआ। अच्छा, वो राजनीति में सक्रिय है, वो विधायक है या सांसद है, तो आपको अगर कवि सम्मेलन मंचों में जाना है तो वो बताओ मुख्य अतिथि मिल रहा है। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, वो इसलिए होता था, आपको ध्यान होगा हम ना क्रिकेट खेलते थे, तो हमें जैसे मैं ओपनर था तो मेरी वैल्यू मार्केट में बहुत थी उस समय, मुझे ओपनिंग करने के 2500 रुपए मिलते थे, तो मुझे कोई भी टीम ले जाती थी 2500 रुपए ओपनिंग करा देती, मैं चला जाता था। एक बार क्या हुआ, मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम जहाँ जिस टीम से खेल के आ रहे हो तुम पता है वो शराबी आदमी है, तो मैंने बोला मुझे 2500 रुपए मिल रहे थे, मुझे नहीं पता है वो शराबी था, उसने मुझे बोला ओपनिंग करो 2500 रुपए दे देंगे, तो हम चले गए। तो वही है, वो सच में है, मतलब यही एक सच्चाई है कि क्रिकेट खेलने का मजा, हमारी जो प्रतिभा थी उसके लिए मंच की जरूरत है, मंच नहीं मिलेगा तो प्रतिभा मर जाएगी। तो जो भी कवि सम्मेलन करा रहा है हम उससे पूछे कि कौन मुख्य अतिथि है, तो ये पूछने की तब तक हैसियत दे रही थी, हम सकते हैं ठीक है, अब तो तब तो एक बार कवि सम्मेलन हो रहा है, एक संध्या करा दी, हम जाते हैं, दैट्स ऑल। वहां जो मुख्य अतिथि बैठा है उसके लिए चार दूसरे सुनाए, तो पब्लिक ग्रिप में आ गई, फिर अपनी कविता सुनाई तो ताली ज्यादा बची और निकल ली। तो वही दौर था, तो धर्मेंद्र से एक तरह से अच्छी दोस्ती रही, तो सपा कभी अच्छा सपा के ही उसमें सरकार थी सपा की, तो उनके मंत्री उनके विधायक कभी सम्मेलन मुशायरे ज्यादा करवाते थे, ये सच्चाई है, ये सच्चाई। तो उनके कार्यक्रमों में जाना भी खूब होता था, तो उनको लगता था कि ये पॉपुलर है, मैं तब तक मतलब ठीक ठाक पॉपुलर हो गया था मुझे सुनने के लिए। देखिये मैं ये मानता हूँ और इसको उर्दू मुशायरों के लोग भी मानते हैं, उर्दू मुशायरों में ग्लैमर नहीं था, मुशायरे थे, आती थी भीड़ सुनने के लिए, लेकिन होता क्या था ना कि वो नहीं था कि सेल्फी ले रहे लोग या फिर आपके पीछे पीछे गाड़ी के साथ साथ भीड़ दौड़ रही है, आप पहुंच रहे हो तो हंगामा बपा हो जा रहा है। तो मैं बड़ा दायरे तोड़ करके मुशायरों में आया, मेरी शायरी भी शायरी के मीटर बहस से अलग की शायरी थी, एकदम मतलब इसको कहते हैं ना कि जो एक बना हुआ था दायरा, उस दायरे को एक झटके में हमने तोड़ दिया। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार एक कई मदरसे पर और बम्बई मुझे बुलाया गया एक मुशायरे, और उस मुशायरे में जब मैं गया तो उस मुशायरे में फिल्मी दुनिया के भी कुछ लोग थे, उर्दू मुशायरों के जितने बड़े नाम थे वो सारे बैठे थे। मुझे 8000 रुपए पे मुझे याद है बुलाया गया था, ट्रेन से बिल्कुल याद करते ट्रेन से पहुंचे तो गए वहां पे, और हमने जब एक नया सा लड़का 24-25-26 साल का वो खड़ा हुआ, सारे सीनियर लोग बैठे जितने बड़े नाम है धुरंधर, और मैं तरन्नुम अच्छा था मेरा, थोड़ी बहुत इलाहाबादी पकैती भी आती थी, तो भूमिका किसी कविता की भूमिका बांध देना सबसे महत्वपूर्ण, पैकेजिंग आप कैसे कर रहे हो। वो मैंने जब वो नज़्म पढ़ी तो पता चला मुशायरा खत्म, 8 शायर 10 शायर बचे, उनको सुनने को कोई तैयार नहीं, मैं लोगों के कंधे पर और नारे लग रहे मेरे नाम के, तो ये कवि तो मुशायरा ने देखा ही नहीं था ना, वहां तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा शायर आया, उसने एक मिसरा पढ़ा, लोगों ने सामने से वाह 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 वाह, इससे कुछ था ही नहीं। लेकिन यहाँ तो एक नया पता चला, मैं पहुंच रहा हूँ, और उस समय लोगों को आसपास खबर लग गई, तो 500,000 का एक ऐसा नया क्राउड आने लगा जो बिल्कुल यंग था, जो अपना मनोरंजन किसी और दुनिया में तलाशता था, लेकिन उसकी प्यास थी कि नहीं उसे कविता और शायरी में भी वो चीज मिलने लगी। अच्छा, मैं आया तो मैं कुर्ते नहीं पहनता था, मैं शेरवानी में नहीं था, मैं पान नहीं खाता था कि पीक मार रहा हूं, मैं बिल्कुल जींस में टी शर्ट में या शर्ट में, तो उनको लगता था कि मेरे जैसा एक लड़का है
जो मेरी बात कर रहा है मंच पे खड़े होकर, तो बहुत कनेक्ट करते थे मुझे। तो इस वजह से वो पॉपुलर होने की वजह से समाजवादी के भी बहुत सारे नेताओं ने चाहा कि मैं समाजवादी आऊं। फिर जब मुझे यश भारती मिली तो ये कयास लगने लगा कि नहीं मैं तो अब समाजवादी ज्वाइन भी कर लूंगा। लेकिन उसी दौरान राहुल गांधी जी की राजनीति को समझना शुरू किया मैंने। दिल्ली आया तो उनकी उनके किस्से सुनता था, तो मुझे लगता था कि नहीं वो व्यक्ति कुछ अलग करना चाहता है। 17 में मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया गया, और जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो 15-20 मिनट की मुलाकात, यह था कि 15 मिनट बात करेंगे राहुल जी, और मुझे याद है कि तकरीबन एक घंटे से ज़्यादा बात की और बहुत सारे सवाल शायरी से रिलेटेड, क्योंकि मैं वो अमेठी के सांसद थे, मैं बगल में प्रतापगढ़ से था तो मेरे पास भी बहुत सारे किस्से थे, तो मैंने भी बहुत सारी बातें की। अच्छा, तब तक मुझे राजनीति और ये कोई वो नहीं था कि वो हमारे नेता हैं या मैं उनका एक साथी या सिपाही या कार्यकर्ता हूँ। तो मैंने बहुत जैसे होता ना सहज भाव में उनसे बात, और मुझे लगता है कि उनको वो सहजता, वो बेबाकी और एक क्लियर विजन, यानी अल्टीमेट देश का संविधान और देश का जो लोकतंत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म होती रहेंगी, लेकिन अगर संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तब शायद देश रहे। मेरा अपना मानना है देश बनता ही इन चीजों से। तो इस वजह से उन्हें चीजें पसंद आई और फिर मुलाकातें कई हुई उनसे, कई बार, और फिर 2019 आते आते उन्होंने कहा कि तुम जिस तरह की शायरी करते हो इसका हल चाहते हो या सिर्फ शायरी ही करना? तो मैंने कहा नहीं, जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहता कि कोई नजीब की माँ फिर अपने बेटे के लिए रोए, मैं नहीं चाहता कि लिंचिंग में कोई मारा जाए, मैं नहीं चाहता कि हादसे हो। फिर उन्होंने कहा कि आओ राजनीति में, आओ, अच्छे लोगों की जरूरत है राजनीति। 2019 में राजनीति में अच्छा हो गया, ये पूरा 4 साल का तकरीबन राजनीतिक सफर। उसके बाद से तो फिर लगातार हम आपको कवर कर ही रहे हैं, काफी जगह आपकी कविताएं वायरल होती हैं, अब तो आपके भाषण वायरल होते हैं। अभी जब रायपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें जो आपने, हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अंदर का शायर भी बचा के रखूँ और थोड़ा थोड़ा जो धर्रा है राजनीति का उसको भी अपने अंदर शामिल करूँ। तो अभी अब थोड़ी शायरी पे आ जाते हैं, कोई अच्छी सी शायरी हो जाए, 4 लाइनें हो जाए, 2 लाइनें हो जाए, क्योंकि बीच बीच में अगर ये मैं नहीं डालूंगा ना तो लोगों को लगेगा तो आपके पास ना, मतलब शायद से आप बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आप सिर्फ सांसद से बात कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना मैं मुद्दों की शायरी करता रहा, जब सरकार बनी ये वाली और अच्छे दिनों के नारे लगने शुरू हुए, और मैं 1.5 साल के अंदर जो अच्छे दिन के नारे भी बड़े झूठे लगने लगे, तब मैंने उस समय शेर कहा था कि मोहब्बत भाईचारे दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा गर्व सारी पुराने दिन ही लौटा दो। मैं मतलब कोशिश करता था कि इस तरह की चीजें, और आपको याद है वो बहुत पॉपुलर हुआ था जब बिहार चुनाव में 38-39 हेलीकॉप्टर उड़ते थे भाजपा के, लेकिन फिर भी भाजपा हारी, तो आप क्या होगा। तो मैं वैसे चुटकी लेने के लिए मैंने 4 मिसरे कहे के, दूध ने चाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। शब्दों से बात करो ना, वो बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है कि पॉलिटिशियन आप कुछ नहीं कह रहे हो लेकिन सब कुछ कह दे रहे हो, तो वो बड़ा कंटिन्यू कर लिया। तो ये सब करता रहा मैं। फिर मुझे याद है कि जब मैं राहुल जी से मिला तो उन्होंने फिर दीदी से भी मेरी मुलाकात की, प्रियंका जी से, तो उनके सामने जिक्र हुआ, तो उस समय मेरी कविता वायरल हुई थी, वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार। तो पहली बार जो चौकीदार शब्द को जिस तरह से उन्होंने देश दुनिया के सामने रख करके और उसका फायदा उठाया था, पहली बार उनको चौकीदार कहकर के, चौकीदार चोर वाले नारे से पहले की कविता आई थी, तो उस कविता के जरिए जब मैंने हिट किया तो वो राजनीतिक हलके में बहुत पॉपुलर, बहुत पॉपुलर, उसकी 2 लाइनें हैं वो, वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार। तो ये कविता खूब वायरल हुई, फिर राजनीतिक लोगों ने भी इस कविता को खूब सुना, तो इस वजह से मुझे लगता है कि
राजनीतिक लोगों को भी लगा कि नहीं असल में तो ये कविता की राजनीति कर रहा है। तो राजनीति की कविता और कविता की राजनीति दोनों बहुत अलग चीज है, लेकिन मैं दोनों एक तरह से हो रही थी अपने आप। मेरा अपना मानना है कि मैं कुछ प्लान करके लान कर रहा है ना, प्लान मैंने यहाँ तक नहीं पहुंचा, सब कुछ अपने आप होता है। वो मुझे पता है, जब जिस दौर से हम लोग आए वहाँ प्लान बहुत कुछ होता नहीं होता नहीं था। और मुझे लगता है कि प्लान करके जिंदगी तो बहुत व्यवस्थित जिंदगी तो ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं है। वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी होती है, फिर तो कहीं स्कूल में आप प्राइमरी के टीचर हो जाओ या किसी यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर हो जाओ, ठीक ठाक तनख्वाह है, सुबह जाओ शाम में लौटो। ठीक है, मैंने ना ये आने से पहले कुछ आपके इंस्टाग्राम पोस्ट और कुछ लोगों से बात की, तो उन लोगों के सवाल आए, तो मैंने ये कुछ रखे। तो ये आपने ये पिक्चर पोस्ट किया था, ये जब मैं एडिट कराऊंगा तो लगा दूंगा। इस पर किसी ने नीचे लिखा है, भाई दाढ़ी पक गई है, शादी कर लो। हाँ, इस तरह के कमेंट कभी कभी आते हैं। नहीं, कमेंट की बात नहीं कर रहा, वो पूछ रहा है कुछ। हाँ भाई, शादी का दरअसल ऑफिस भाई है, शादी बड़ा मतलब एक महत्वपूर्ण विषय है। अब तो देखिए, मैं तो अब ये कह के बच लेता हूँ कि देखिए भाई, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, जब तक हमारा नेता शादी नहीं करे तब तक मैं कैसे कर लूं। मैं तो अपने नेता के पीछे पीछे चल रहा हूँ, जिस दिन हमारा नेता शादी करेगा उसके बाद हम छोटे जो कार्यकर्ता है उनका नंबर लगेगा, लेकिन की जाएगी। अभी सोच रहा हूँ, बहुत काम है एक्चुअली, जब से अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बना तो पिछले 2 साल में जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई, बहुत ज्यादा। और मेरा मानना है कि पार्टी ने भरोसा करके मुझे एक विभाग की जिम्मेदारी दी, तो मुझे उसके साथ न्याय भी करना। तो सच में फिर ना तो मुशायरों के लिए समय बचा, न तो व्यक्तिगत लाइफ के लिए समय बचा। नहीं, वो तो मुझे पता है, मैं 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ आज मैं आपसे लिटरली कई दिन से बात करना चाहता हूँ। बात तो हमारी हो गई थी, बात तो हमारी काफी दिन से हो रही है। अच्छा, ये दूसरा पिक्चर, ये आप तबीयत आपकी शायद नासाज थी, तो ये भी आराधना जी हैं, जब आपने पिक्चर डाली तो ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, मैंने आराधना जी का लिया है, इन्होंने लिखा गेट वेल सून बट सर रेस्ट करो, आप डॉक्टर्स की सलाह मान लो, बहुत जरूरी है, भगवान आपको जल्दी ठीक कर देगा। ये लोगों का प्यार, ये बहुत बड़ा प्यार है और बहुत बड़ा समर्थन है। और मैं उन खुशनसीब लोगों में हूँ हेमंत जी के, जिन्हें तमाम दायरे तोड़ करके लोग प्यार करते हैं, और उसमें ना तो धर्म का बंधन है, ना हर उम्र का एक प्रशंसक वर्ग है। तो और वो राजनीति से इतर हट के, ये मेरा जो पहले वाला जो श्रोता वर्ग है ना, प्रशंसक वर्ग है, वो ये है, वो है। और मैं उसके लिए अभी भी कोशिश करता हूँ कि वो बना रहे, बचा रहे तो अच्छा है, और उन्हीं की दुआएं हैं। मैं मुझे सर्वाइकल था, मैं 15 दिन बैठ कर था, बहुत बुरी तरह, मैं मुंबई कार्यक्रमों में था, उसी दौरान पेन शुरू हुआ, तो फिर 15-20 दिन बहुत बुरे दर्द में गुजरे। MRI कराया जिंदगी में पहली बार, तो ऐसा लगता है जैसे किसी MRI दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा मुझे। मशीन के अंदर जाओ ना तो लगता है कि आप 2 फीट की भी ऊंचाई नहीं है, और एकदम जैसे ऐसा लगा कि आप बस कब्र में डाल दिया गया, या जो विद्युत शवदाह गृह होते हैं ना, ऐसा फील आ रहा है मुझे। आप जिंदगी में MRI नहीं करा सकता मैं दोबारा, तो लेकिन दर्द इतना नहीं कराना पड़ा, लेकिन ठीक है। एक ये पिक्चर दिया, ये आपने डाली थी, इसके नीचे एक रोबच है, इन्होंने कमेंट किया कि अब तो शादी कर लो, सब कुछ अच्छा लगेगा। अब आपने पता नहीं लिखा क्या होगा। देखो, ये इनका तजुर्बा हो सकता है कि सब कुछ अच्छा लगेगा, मैं तो ऐसे भी मित्रों को जानता हूँ जिन्होंने शादी कर ली उसके बाद उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। हमारे साथ उदाहरण के तौर पर हमारे साथ काम करने वाले कुछ लोग हैं, जो मेरा ऑफिस है उसमें। अच्छा, भी आपको क्या लगता है, शादी के बाद जिंदगी अच्छी होती है, शादी के बाद अच्छी होती है? मुझे देखिए, ये सवाल तब तक कोई भी व्यक्ति सही से इसका जवाब नहीं दे सकता, जो इसका जवाब मुझे लगता है मोदी से ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। शादी के पहले की जिंदगी और बाद में करने के बाद भी अलग जिंदगी थी। तो नहीं, नहीं, आपका मेरा मानना है कि शादी से पहले की जिंदगी ज्यादा अच्छी है। आपने करी तो है नहीं, फिर भी मतलब जितना देख रहे हैं, करनी नहीं चाहिए शादी, आपको लगता है? तो काम कर सकते हैं, बिल्कुल शादी करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए, और गृहस्थ जीवन जो है ना वो बहुत जरूरी है। और वानप्रस्थ बाल्य नहीं, मुझे लगता है नहीं गृहस्थ, आप देखो फिर मैं अब टिप्पणी करूंगा तो आप कहेंगे राजनीति कर ली थोड़ी। जब तक आप गृहस्थ नहीं होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्याज के रेट क्या है, टमाटर के क्या रेट है। आज पता चला टमाटर 200 रुपए किलो, अदरक 300 रुपए किलो बिक रहा है। नहीं तो, जब तक आप घर परिवार सब्जी ना लाना हो या सब्जी मंगवाना ना हो, और तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि बनाती हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम राजनीति में जो लोग हैं उनको शादी जरूर करनी चाहिए, और मैं भैया को भी यही सलाह दूंगा कि कर लीजिए।
सलाह दे रहे हैं उनके सांसद की आप शादी कर लें फिर हम करें। हम लोग का नंबर उसके बाद आएगा, जहाँ मैं बैठा हूँ 18 साल मतलब मैं दुगनी उम्र 35 साल में मैं 18 हो गया था पापा जब 35 के थे ऐसे ही मेरे साथ में रहा। तो इतनी उम्र में तो शादी और मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं। वहां ये कहा जाता है कि मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि दूल्हा बिना दाढ़ी मूंछ का अच्छा लगता है, मतलब जब तक उसके दाढ़ी मूंछ ना निकली हो तभी का दूल्हा अच्छा लगता है। दाढ़ी मूंछ निकल आई तो फिर वो दूल्हा क्या है, ठीक है तो फॉर्मेलिटी है। अब तो हम लोग उस उम्र के दायरे से बाहर निकल गए, लेकिन करनी है। अब मैं सोचता हूँ 24 में सरकार बदल लें, उसके बाद सरकार बदल लें और फिर अब जब मेरी राव जी से मुलाकात होगी। हाँ कहिएगा कि भाई कोई कहे ना कहे कम से कम लूंगा। इमरान ऑप्शन से तो नहीं बोल सकते हैं, दो ही लोग हैं देश में जो हमसे ये बात कह सकते हैं, लालू जी ने कही थी। लालू जी वो है जिनको एक्सपीरियंस है शादी का, आप लेना चाहते हैं तो राहुल जी को शादी करनी चाहिए। रुका हुआ उनके उनकी वजह से। हाँ चलिए ठीक है। हाँ एक और सवाल है, एक ये पंकज भाई है पी के, इन्होंने याद करके अपना अकाउंट बनाया। इनके मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कई दिनों से बोल रहे हैं इमरान सर मैं पंकज यादव यूपी के लखनऊ जिले का रहने वाला हूँ, आपसे मुलाकात कब और कहाँ हो सकती है, आपको पहले भी SMS कर चुका हूँ, मोबाइल नंबर मेरा ही है, रिप्लाई प्लीज। तो अपनी टीम को बोली भाई। हाँ, नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादातर मैं लोगों के कमेंट कोशिश करता हूँ कि मैं खुद पढ़ लूँ जब मैं फ्री होता हूँ। तो मैं कम से कम ट्विटर के और पहले फेसबुक पे, चूंकि मेरा मानना है कि ट्विटर पर तो मतलब एलीट तबका है वो है, इंस्टाग्राम उसको बहुत काम नहीं होता, वो तो अलग ही तरह का नैरेटिव बनाने वाला तबका है। असल में जो क्राउड है और भारत की असल जो जनता है वो फेसबुक और इंस्टा में है, या यूट्यूब पे भी आजकल वो थोड़ा सक्रिय हुई। तो मैं फेसबुक के कमेंट और इंस्टा के कमेंट कभी भी पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। अब थोड़ा सा मुश्किल ही आ गई, मैं मतलब बहुत व्यक्तिगत बताऊं कि अब वह क्या ना कि एक बड़ा प्रशंसक वर्ग आपका वो महिलाओं का है, चूंकि कभी से महिला का मुशारा, अब रिप्लाई करना एक बड़ा बवाल है उस पे। हम तो उसका कौन क्या कर मिसयूज कर ले, तो मैं पहले अमूमन इनबॉक्स में भी जो मैसेजेस आते थे, मतलब कई के ऐसे प्रशंसक हैं, मैं आपको उनके मैसेजेस दिखाऊंगा। मैं पढ़ने के बाद हंसता भी हूँ, फिर सोचता भी हूँ और अफसोस भी करता हूँ मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, कि वो दो दो तीन तीन साल से मतलब बड़ा मोहब्बत भरे मैसेजेस और अब बड़े अच्छे, मतलब उसमें वो नहीं है, किए जा रहे हैं और मैं देखा मैंने कभी उनको रिप्लाई नहीं किया, फिर भी मैसेजेस करते रहते हैं रेगुलर, ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग। लेकिन अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, नहीं समझ, और बहुत सारी मजबूरियां भी हैं कि उसका कब कौन क्या मिसयूज कर ले। आजकल तो वो कि ना एंजेल प्रिया के नाम से, तो हाँ इसका कोई भी चीज नहीं। मैं मतलब ढेर सारे प्रशंसक तो ऐसे हैं कि मैं जिन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि नहीं वो ओरिजिनल अकाउंट है। तो मेरे फेसबुक पे ऐसे ऐसे प्रशंसक हैं जो पिछले 10 साल से हैं और उनके उनके कमेंट पे जितने लाइक आते हैं उतने देश के कई बड़े राजनेताओं के पोस्ट पे नहीं आते, मतलब कमेंट के लाइक लिटरली, पता है उन्होंने कमेंट किया और उनके 2000 लाइक हैं कमेंट के, तो वो पॉपुलर है, वो बहुत पॉपुलर है हमारे हल्के। लेकिन अब यह है कि बहुत रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मैं कभी उनको रिप्लाई करूंगा। और एक बात मैं चैनल के माध्यम से कह दूं कि मैं अगर दिल्ली हूं तो मैं AICC ऑफिस में अमूमन हर दूसरे दिन तीसरे दिन जरूर बैठता हूं, और जब बैठता हूं तो किसी अपॉइंटमेंट की कोई आवश्यकता आप पोस्ट भी डाल देते, आप सीधे अमूमन पर फेसबुक पे अपडेट कर देता हूं। और अगर मैंने फेसबुक पे कहीं बाहर जाने के लिए ट्विटर पे अपडेट नहीं किया कि मैं दिल्ली हूं, मैं दिल्ली के बाहर हूं, तो समझ लीजिए कि मैं AICC ऑफिस में आई हूं। स्वागत है आपका। एक हितेश नाम का अकाउंट है, इन्होंने आपको सजेशन भेजा है, कांग्रेस पार्टी को एक यात्रा उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा भी चाहिए। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे भी ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में भी एक यात्रा जो है, खास तौर से देखिए उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के बड़ी किंवदंतियां बड़ी कहानियां हैं कि जब अलग अलग राज्यों में जब मतलब भारत का लोकतंत्र और सब नाम रखे जा रहे थे राज्यों के, तो सब राज्यों से नाम मांगे गए कि आप तो अपना नाम कैसे, क्या कौन सा नाम सही रहेगा, सुझाव मांगे गए, तो उत्तर प्रदेश ने अपना नाम भारत भेजा था। भारत भारत तो पूरा देश है, मिल करके भारत है, बोला नहीं है क्या भारत है। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत है, उत्तर प्रदेश में यात्रा, और जिस तरह से महज 3 दिन 2.5 दिन की यात्रा उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो गुजरी ना, और जो समर्थन मिला जन समर्थन, वो दर्शाता है कि बहुत लोग उत्सुक हैं और जुड़ना चाहते हैं।
और मुझे लगता है कि जल्दी ही पार्टी से विचार भी करेगी और कम से कम मैं भी पूरे उत्तर प्रदेश में निकलने वाला हूँ। जो आपने बोला ये लास्ट मैं ले लेता हूँ, एक पिक्चर आपका बड़ा अच्छा पिक्चर है ब्लैक ड्रेस में डाला हुआ, इसमें किसी ने मैसेज किया है, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, उन्होंने लिखा कि आप देखिए लिख रहे हैं इमरान भाई गर्ल्स फ्रेंड भी आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिल सकते हैं? एक तो इमरान भाई बोल दिया पहले, फिर बोल रहे हैं कि मिल सकते हैं, आंसर मी प्लीज। नकाब में एक महिला आई, उनके साथ के बच्ची भी थी, तो मुझे लगा कि किसी समस्या लेकर के या फिर पार्टी के वर्कर होंगे, तो आई तो मैंने कहा जी बताया, अच्छा मेरे ऑफिस में और दो चार लोग बैठे थे, मैं कोशिश करता हूँ कि महिला दिन तो दो चार लोग और भी बैठे तो थोड़ा नहीं 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 तो वो आई, तो मैंने कहा जी बताया, अच्छा कोई काम? तो वो बेचारी प्रशंसक थी, उन्होंने बड़ा सा दिल जैसे होता है ना हर चीज वाला जो पहले मिला करते थे यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उन्होंने वेट किया, अब सहजता से आप कोई वेट कर रहा है तो आपको लेना ही पड़ेगा, उन्होंने फोटो खिंचवाई, अगले दिन मुझे सेंड कर लोगों ने वही फोटो इन बाबा से भेज दिया कि अच्छा ऑफिस में आपसे मिल लिया, हम नहीं मिल पाए, हम नहीं मिल पाए। हाँ। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे प्रशंसक आए, शालीनता से आए, दिल दिल लेकिन आए, एआईसीसी में स्वागत है, लेकिन और ये 2024 के बाद शादी करेंगे। लेकिन कुछ लड़कियों ने मुझे ये भी बोला है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इमरान कैसी लड़की खोजेंगे या कैसी लड़की इनको चाहिए, तो आप एक बार बता दें तो शादी होगी, अब सोचना आपने एकदम बिल्कुल घरेलू सी है जो जाहिर सी बात है घर परिवार को लेके चलने वाली हो, मेरे साथ साथ मेरे माता पिता सबका सम्मान करें, जाहिर सी बात है कोई बहुत मतलब हमें नकाब में कर देना कैफ नहीं चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वो बड़ा मशहूर वाक्य है कि एक बार बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की, तुम्हारी शादी होगी कैसी लड़की हो, तो उन्होंने सारी पसंद गिना डाली, तो बोले बता दो इतना मत बताओ ये बता दो कि हाँ हमको नकाब में कर देना कैफ चाहिए। बहुत सामान्य परिवार की एक लड़की चाहिए, ठीक है ऐसा ही करूंगा, देश देखेगा कि मैंने बहुत सादगी के साथ बहुत सच में सादी सी शादी की, वाह, और देश देखेगा इस चीज को, बिना जहेज की, एक रुपए बिना जहेज के, मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है, मैं मानता हूँ कि जहेज दुनिया का सबसे बुरा, सही बात, वो एक रस्म है, वो खत्म होनी चाहिए, तो मैं खुद एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और किसी दिन आप भी देखेंगे बड़ी शालीनता से जैसे धार्मिक रीति रिवाज से शादी करी और सब कुछ सच्चे देखिए। चलिए तो एक एक दो लाइनें लड़कियों को आपकी तरफ से हो जाए जो आपसे आपको चाहती है, आपसे प्रेम करती है, यहीं से मैसेज देती है। देखिए मैं इस मामले में खुशनसीब हूँ कि मेरा जो प्रशंसक वर्ग है, मैं सच में मुझे ऐसे से मेरे पास जिंदगी में ऐसे से वाक्य हैं कि मुझे किसी बार एक बार एक व्यक्ति का फोन आया और बड़ा भावुक होकर के उन्होंने कहा कि इमरान साहब आप कभी से मिले मुशायरे में जाने का क्या कमेंट लेते हैं, तो मैंने कहा ये ले मेरा ऑफिस बात कर लेगा, तो बोले नहीं आप मुझे सीधे बताएं, तो मैंने कहा क्यों क्या बात, तो बोले मेरी माँ बेड पर है हॉस्पिटल में और वो चाहती है कि मैं आखिरी बार मतलब उनसे मिल लूँ मरने से पहले, तो वो मेरे मतलब हाँ मैं काम गया, मैंने कहा नहीं कहाँ है वो, मैं उनसे मिलने गया था, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है और उसमें सारा एक एज का कोई बंधन नहीं, नहीं नहीं मैं और महिलाएं खूब बड़ी तादाद में मेरे लिए दुआएं करती हैं, मुझे प्रेम करती हैं माँ की तरह, कई कई माएं ऐसी हैं इस देश में कि वो मुझे इतना फोन और इतना मेरा ख्याल रखती हैं कि मेरी सगी माँ उतना नहीं रखती, मैं कभी कभी ऐसा होता ना कि आदमी व्यस्त है बेटा खाना खाया तो मुझे लगता है इतना तो मेरी अम्मी नहीं पूछती, कई ऐसे लोग हैं कि वो फोन करेंगे मेरे पापा तो दो दो तीन तीन दिन गुजर जाता है फोन नहीं करते, आदत पड़ गई है, वो आज तुम्हें देखा तुम पसीने से, बेटा तुम पसीने में थे और बेटा तुमने सही से पानी पिया था कि नहीं पसीने जब प्रदर्शन में, ऐसे ऐसे लोग, ये जो कमेंट में पढ़ रहा था तो एक कमेंट ये भी था
कि आपके चेहरे ये जो डार्क सर्कल होते हैं, इमरान जी डार्क सर्कल हो रहे हैं, थोड़ा नींद पूरा लीजिए, ये करके बिठा रहे हैं, मैंने लिया। तो इस तरीके के कमेंट बहुत सारे, तो लगता है कई रात का जागा है हम सबने, तस्वीर की आंखों से थकन झांक रही। तो वो जो मुशायरों की जिंदगी थी उसमें भी नींद से दुश्मनी रही, क्योंकि कभी सम्मेलन मुशायरे रात में ही होते हैं, सब ऐसी चलन है, सब परंपरा है। और फिर जब इधर आए तो ये बैठना हो नहीं पाता, आज शहर में कल शहर में सफर दर सफर, सफर दर सफर। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कार्यक्रम खत्म हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो या कभी सम्मेलन, उसके बाद जो भीड़ आई है ना, 5,000-10,000 भीड़ है, उसमें से 1,000 आदमी तो ऐसा है ही तो सेल्फी लेना चाह रहा है, वो मना भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो हम लोग अब बहुत प्रोटोकॉल लेकर के, बाउंसर लेकर के, सिक्योरिटी लेकर चले, तो हमें लगता है कि वो जो वर्ग है जो हमें जो पसंद करता है वो दूर हो जाएगा, तो वो लिहाज भी करना पड़ता है। तो इस चक्कर में मैं कोशिश करता हूँ कि उससे मिल लूं, उस मिलने में जो धक्का मुक्की होती है ना वो पीस डालते हैं, और थोड़ी सेहत भी अच्छी है। वरना कई बार जब लौट के आते हैं होटल ना, तो यहाँ के फूल है ना वो जूते से निकलते हैं, तो लोग फूल बरसाए होते हैं, जूता उतारा तो उसमें फूल रहते हैं, तो ये सब होता रहता है। बट जो प्रशंसक है उनसे एक बात कहूंगा कि मैं राजनीति में भले आ गया हूँ, जो मुशायरे के प्रशंसक हैं उनसे कह रहा हूँ कि मैंने अपने अंदर के शायर को बचा के रखा हुआ है, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े मुशायरे भी अटेंड करूंगी, कुछ मुशायरों में शिरकत करूंगा। नहीं नहीं, मैं इस शो में भी काफी सारी आपको नज़में मिलेंगी, अभी हमने शुरू किया। आपको अपनी फैंस के लिए कुछ दो लाइनें। शुरुआती दिनों में एक कविता लिखी थी कि लड़कपन का नशा उस पर मोहब्बत और पागलपन, थोड़ा सा उसी तरह लड़कपन का नशा उस पर मोहब्बत और पागलपन, उम्र के मोड़ का एक खूबसूरत दौर पागलपन। मेरे घरवाले कहते हैं बड़े अब हो चुके हो तुम, मगर मन फिर भी करता है कभी कुछ और पागलपन, मगर मन फिर भी करता है कभी कुछ और पागलपन। हवा के साथ उड़ने वाले ये आवारगी के दिन, मेरी मासूमियत के और मेरी संजीदगी के दिन, कुछ एक टी शर्ट्स, कुछ एक जीन्स और एक कैप छोटी सी, मेरे लैपटॉप और मोबाइल से ये दोस्ती के दिन, अजब सी ये खुशबू फिर भी घर में साथ रहती, कोई मासूम सी लड़की सफर में साथ रहती है। तो ये वो ख्याल थे जो राजनीति में आने के बाद छूट गए। अब इस तरह की कविताएं सुनाओ ना तो लोग कहेंगे अच्छा सांसद जी इस तरह की कविता रोमांटिक हो रहे हैं, सांसद बड़ा मजेदारगी होती है, लोगों को नहीं समझ आता। इसीलिए मैं जब बैठता हूँ तो फिर मैं वो बातें करता हूँ जो लोगों को नहीं पता। और कुछ दिल टूटे आशिकों ने भी बोला है कि अगर दिल टूट जाए तो इमरान भाई हमें किस तरह की संदेश देना चाहेंगे। नहीं ना आज सही कल जरूर टूटेगा, नहीं ना आज सही कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, है मशवरा के तो पत्थर बना के रख इसको, ये आलना है कहा तो जरूर टूटेगा, तो अपने दिल को पत्थर बनाइए, ये मुश्किल दौर है। मेरा भी मन में मैंने प्रेम की कविताएं कम लिखी, कम लिखी, उसका कारण ये रहा ना कि मुझे लगता था कि महबूबा के जुल्फ और आंचल पे कुछ कहने से ज्यादा जरूरी है कि वो माँ जिसका आंचल उसके आंसुओं से भीगा हुआ है उसके लिए कुछ कहा जाए, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, उस पर ज्यादा कविताएं लिख रहा था, शायद इसीलिए थोड़ा अलग कुछ करने का जुनून था। हबीब जालिब को सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं शायद की जिंदगी जो है वो मिली, एक बड़ी मशहूर नज्म है कि मैं आग से लड़ने निकला हूँ, सच बात की पैरोकारी है, सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, मैं आग से लड़ने निकला हूँ अंगारों से क्या डरना, मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना। तो वो विधा ही अलग हो गई, इसलिए मुद्दों पर ज्यादा कह रहा था, अपने मन के प्रेम पे बहुत कम कह पाया जिंदगी में सच्चाई। कोशिश कर सकता हूँ कि राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मुद्दे इतने हैं। आपने सोचनी है बात कह दी। अच्छा भाई ये भी सही है कि फिर कुछ लोगों ने करके छोड़ क्यों दिए, फिर आप उसको भी जस्टिफाई करने लगे, करना पड़ेगा। अगर आप बंधन में बन गए तो फिर निभाना तो पड़ेगा, नहीं निभाना पड़ेगा, या तो आप नहीं करिए, हाँ या तो नहीं करिए, या फिर करिए तो उसे निभाइए आखिरी सांस। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की मेरी सलाह है कि ये तो निभाइए। अब राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे, केजरीवाल साहब और राहुल गांधी,
इन तीन लोगों को आप अपनी कविताओं के जरिए, मतलब कविताएं तो बहुत लंबी हो जाती हैं, दो दो लाइनों में अगर आप अपनी अंदाज में इनको बयां करना चाहें तो सबसे पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आप करिए बयां। बड़ा हल्का, मतलब हल्का फुल्का शो है, मतलब अच्छी बातचीत बात। तो दरअसल भारत की राजनीति के सबसे झूठे व्यक्ति हैं, झूठ को बड़े सलीके से बोलते हैं, तो इस वजह से वो कभी कविता का विषय बने ही नहीं, मतलब मैं वो जो कुछ कर रहे थे उससे ही इतना कुछ घटनाएं घट रही थी कि मैं उस पर कविता लिख रहा था। देखिए कविता दो चीजें होती है, या तो किसी आप बहुत दिल से प्यार करो, मतलब उसके लिए मन में बहुत श्रद्धा हो, सम्मान हो, तो उसके लिए कर। कभी कभी मेरे साथ होता ना कि बहुत गैर जरूरी विषयों पे कविताएं हो जाती हैं, और कभी कभी कोई बहुत जरूरी लोग हैं, जैसे राहुल जी के लिए मन से चीजें निकलती और कभी किसी नेता के लिए नहीं निकलता, मतलब वो नहीं आते ख्याल। तो राहुल जी के लिए तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त में लिखा मैंने। आपकी मुरीद जो सबसे अच्छी आपकी जो कविता, मैं उसको तरन्नुम में सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल तरन्नुम में सुनाता हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। राहुल तो शब्द है ना, उसका काफिया बहुत कम मिलता है मुझे दुकान पे से, और मैं खुशनसीब हूँ। मुझे याद है कि उदयपुर चिंतन शिविर के बाद में आदरणीय सोनिया जी से पहली बार मिला, उन्होंने कहा कि कविताएं लिखते हो, उन्होंने कहा जी मैं, उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। अच्छा, तो मैंने ये कविताएं उनको भी सुनाई थी सामने बैठ करके। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, इससे जुड़ा और बड़ा मजे का एक वाक्य है, हम सारे सांसद डिटेन हुए, हाँ 7 घंटे डिटेन हुए, राहुल जी भी, तब राहुल जी सांसद थे, ये अगली बार अभी की, हाँ मतलब पिछले जो महीने वाले, और मेरा ख्याल है कि जब आप इसको रिलीज करेंगे और ये सुनी जाएगी तो हो सकता है तब तक वो फिर से सांसद हो चुके हों, दुआ करते हैं। तो थाने में हम लोग डिटेन हैं, तो राहुल जी ने कहा कि भाई सबको कुछ कुछ सुनाओ, सब उसमें कई सारे टैलेंटेड लोग हैं, तो राहुल जी को सब सुना रहे थे, तो मैंने ये कविता उनको सुनाई और वो रिकॉर्ड कर रहे थे अपने फोन में, उनकी साथ भी बहुत कमाल है। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। ये किसने कहा आपसे गांधी के साथ हूँ, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। तो राहुल जी पे खूब कहा जब वो भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे, उस समय भी कविताएं खूब सारी कही, कभी किसी मौके पे वो भी सुनाई थे, बहुत बढ़िया। अब आते हैं राजनीति पे और आगे की तरफ। आज की आपने जो बात बोली कि जब कविताएं आप सुनते थे, कविताएं जब होती थी तो आपको लगता था कि आप खड़े होके किसी भी पॉलिटिशियन पे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को लेके भी लोग शिकायत कविताएं करते थे, आज के सिनेरियो में वो पॉसिबल है या हो रहा है? नहीं नहीं, वो कहाँ संभव है, मैं आपसे जानना चाहूँ। बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए भाजपा ने लोकतंत्र का, भाजपा सरकार ने लोकतंत्र का जो सम्मान करना था उससे बिल्कुल इतर जा करके, जो अभिव्यक्ति की आजादी थी वो किसी ने विधा की नहीं, सबको एक सिरे से कुचला। मेरा जो मतलब बतौर कांग्रेसी सांसद होने के नाते ये बात नहीं कर रहा हूं, बतौर शायर होने के नाते भी मैं ये बात कर रहा हूं कि दरअसल वो संस्कृत का एक बड़ा सूत्र वाक्य है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषा महीना,
तो उन्हें कविता की समझ नहीं है। उनके यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें कविता, शायरी, चित्रकला, किसी भी कला से कोई मतलब नहीं। उन्हें बस एक कौशल और एक कला आना चाहिए, साम दाम दंड भेद कैसे सत्ता में आ जाओ। तो उन्होंने सारी, जितने बड़े लोग हैं, हिंदी के हो उर्दू के हो, मैं अगर मतलब जब प्रधानमंत्री जी खुद ही परंपरा को कायम नहीं रखते, राहत इंदौरी जैसे बड़े शायर का देहांत होता है, दकार होता है, एक शब्द शोक संवेदना के प्रधानमंत्री खुद नहीं कहते। कुमार विश्वास अपने अपने राम कार्यक्रम में टिप्पणी कर देते हैं, तो कितनी गालियां, कितना ट्रोलिंग की जाती है, हम लोग तो झेल ही रहे। तो उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हर जगह से मारा। अच्छा, एक सच्चाई, अच्छा एक बड़ा आम लोगों में ये जानने का वो रहता है, जिज्ञासा रहती है कि जब सांसद, दो सांसद आपस में बात करते हैं, और वो भी तब जैसे आप संसद के बाहर या कैंटीन में, संसद की में जब आप बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी सांसदों से मिलते हैं, तो वो मुलाकात कैसी होती है? अंदर की सब जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं तो नया आया हूँ 7 दिन पहले, तो मेरे मन में भी था कि नहीं, मतलब जो सदन और सेंट्रल हॉल का जो नजारा होता होगा वो बड़ा अलग होता होगा। तो जब हम सदन से बाहर निकल के आते हैं, सेंट्रल हॉल पहुंचते हैं, जहां कैमरे नहीं जाते, जहां आम आदमी वैसे नहीं पहुंच सकता, तो वहां तो मतलब कम से कम कांग्रेस के सांसद तो इस बीच निशाने पे रहते ही हैं, लेकिन कई ऐसे लोग जो टीवी चैनलों पे एक दूसरे के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़ा एकदम मोर्चा खोले रहते हैं, मैंने उनको सेंट्रल हॉल में बैठ के साथ में एक एक घंटा बात करते देखा, और बाहर ऐसा लगता है कि मतलब इन्होंने तो दुनिया उठा रखी है टीवी चैनलों पर। तो कभी कोई सांसद आपके बगल से निकला बोला इमरान जी? नहीं, मुझे खुशी इस बात की जब मैंने पहली स्पीच की, मुझे याद है कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया और मैं भैया से मिलने गया, राहुल जी से मिलने गया, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि इमरान, जब तुम पहली बार पार्लियामेंट में बोलो तो देश को लगना चाहिए कि कोई सांसद आया, कोई युवा आया, और तुम्हारे मुद्दे जो है वो देश के जरूरी जो मुद्दे हैं वो होने चाहिए। तो मेरे मन में था कि मैं पहली बार बोलूंगा तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे बोला, फीस वृद्धि पे बोला, और मैंने तमाम यूनिवर्सिटियों के कैंपसों की जो स्थिति है उस पर बात की। मुझे खुशी इस बात की हुई। मैं कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो भाजपा में भी हैं, लेकिन वो मतलब बस ये है कि मजबूरी में चले गए रहे होंगे, मजबूरी में वहां है। तो जब मैं बोल के वो भाषण दे करके और दोपहर में ऑफ हुआ और मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था, तो मुझे दसियों भाजपा के सांसदों ने आकर के बात कही कि मैंने आज आपने भी बोला है, वो बहुत हम नहीं बोल सकते, आपने बोला इस बात को और मुझे बहुत गर्व है कि आपने ये बात कही। तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, ये चैनलों पे बैठते हैं तो पता नहीं इनका रूप अलग ही हो जाता है, लेकिन कम से कम यहाँ इतनी ईमानदारी रखते हैं और बड़ा सहज होता है। अभी थोड़ा भाजपा ने माहौल, भाजपा सरकारों ने सदन को बहुत एकदम बड़ा क्रिटिकल सा बना दिया, वरना सुषमा जी के समय तक, अरुण जेटली जी के समय तक, अटल जी जब थे तो उस समय अलग ही माहौल था। अब भाजपा में जो लोग हैं उसमें से ज्यादातर, इवन की राज्यसभा में उच्च सदन माना जाता है, वहां भी जिस तरह का व्यवहार है उनका, वो कहीं से भी सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है? सच कह रहा हूं। जैसे हम दो दो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज मिलते हैं तो सामने तो नहीं बोलते, लेकिन अंदर खाने बोलते हैं तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ही अच्छा है, हमारे यहाँ तो बोल बात है। अभी तो जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो लिटरली मुझसे भारतीय जनता पार्टी के 200 सांसदों ने कहा भाई कमाल है, मतलब वही व्यक्ति कर सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है 4,000 किलोमीटर पैदल। तो लिटरली मुझे अच्छा भी लगा कि हमारे नेता ने वो काम किया हम जिसके पीछे खड़े हैं, कि आज विपक्षी दल के तमाम सांसद आकर के उनकी प्रशंसा करने को मजबूर। और ये सच है, अभी जैसे मणिपुर कल की बात बताया, संसद ओवर एडजेंट हो गई, हम लोग आकर के सेंट्रल हॉल में बैठ गए, तो हमारी पार्टी की जो महिला सांसद हैं वो और मेरे साथ के कुछ और लोग बैठे रहते हैं, हम लोग चाय पी रहे थे, शुक्रवार था तो मुझे नमाज से निकलना था, उससे पहले भाजपा की एक महिला सांसद, वो मंत्री भी है, वो आई नहीं, वो जिनकी तरफ आपका इशारा किया वो नहीं, तो वो आई बेचारी, तो हमारी एक महिला सांसद उठ के खड़ी हो गई, आप लोग तो बोलिए, महिला होने के नाते बोलिए,
तो वो बेचारे बड़ा असहज हो गई, उन्होंने कहा कि क्या बताएं, अच्छा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि पीड़ा सब में है, बस ये है कि आज प्रधानमंत्री नहीं बोल, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, तो फिर क्या 80 दिन की चुप्पी है, और फ्रांस और अमेरिका घूम रहे हैं और नहीं बोले तो नहीं बोले। आपकी वो चंद लाइन है जो मणिपुर पे आपने लिखी है वो भी हुई जाए। हाँ मणिपुर मतलब माहौल बहुत ज्यादा उसकी बात करने ही मैंने परसों वो कविता कही के दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म अपना किसे अब दिखाए सुनो, रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, सब्ज मतलब हरी वाली बात, सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कई बंद है लेकिन आखिरी बंद मणिपुर जो सोचता है जो बोलता है वो यूं बोलता है कि नफरतों की नई आंधियां ओढ़कर मैं पड़ा हूँ यहाँ सिसकियां ओढ़कर, नफरतों की नई आंधियां ओढ़कर मैं पड़ा हूँ यहाँ सिसकियां ओढ़कर, ऐसी दिल्ली पे लानत हो हाकिम जहां, ऐसी दिल्ली पे लानत हो हाकिम जहां, कब से बैठा है खामोशियां ओढ़कर, कब से बैठा है खामोशियां ओढ़कर, किसका दर्जा के अब खटखटाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। सबसे अच्छा दोस्त कौन है पॉलिटिशियंस में और कवियों में, अगर आपको कोई एक चूज करना हो, और अगर बीजेपी में भी है तो वो बता दीजिए। नहीं बीजेपी में कोई दोस्त नहीं है, सारे बुरे नहीं, मुझे लगता है कि नहीं बुरे नहीं है, दुश्मन नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं, नहीं आजकल तो माने जाते कोई मेरा दुश्मन है, दुश्मन लेकिन दोस्त नहीं है वहां, क्योंकि उतना वास्ता नहीं पड़ा। कांग्रेस में कई लोग हैं जो अच्छे हैं जिनसे बातचीत होती है, लेकिन मैं चूंकि मैं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और वो पूरा वो जो परंपरा थी उससे नहीं आया था, और मैं आया बहुत गांव से था ना, तो इस वजह से आने के बाद मतलब जब पदों पर आ गया तो सहज दोस्त बने नहीं, मतलब मैं राजनीति से चलो जो राजनीति की वो चीजें जो अमूमन नहीं कही जाती। हाँ हाँ कोई नहीं, लेकिन राजनीति में वैसे भी आप काम के लिए आते हैं इनसे, वैसे मेरे मेरे अपना जो सर्किल है जो मेरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं जो मेरे साथ हैं
जो मेरे कलीग हैं, मैं जिनके लिए चेयरमैन हूँ, दरअसल असल में वही दोस्त है, नेता राहुल गांधी है। और कवियों में आपका अच्छी कवियों में दरअसल मतलब कई लोगों से रही, किसी एक को कहेगा कि बाकियों को नाराज करना, मतलब सांसद जी ने हमारा नाम लिया, मतलब कई सारे ये मुश्किल हो जाता है, सही अच्छी रही। अब अभी जैसे हमसे ये पूछा जाए कि आपका पसंदीदा शायर कौन है, तो मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि कई लोग हैं जो पसंदीदा है। अब किसी एक को कह के किसी एक को छोटा बड़ा नहीं बनाया जा सकता, कई लोग हैं। अच्छा फिल्में देखते पहले खूब देखते थे, कौन था कहीं होता क्या था कि मैं पूरे सर्किल में मैं अकेला कमाऊ दोस्त था, मतलब कमाऊ व्यक्ति था। तो पता चला कि आज कवि सम्मेलन है इमरान का, तो 5-7-8-10 दोस्त थे, वो तय कर लेते थे कि आज यहाँ खाना खाना है, आज फिल्में देखनी है, इसको पकड़ के इमरान को पकड़ लिया। तो जब कवि सम्मेलन से लौटे तो पैसे होते थे पास में, तो फिर वो फिल्में दिखानी पड़ती थी दोस्तों को, तो देखते थे खूब देखते थे। किसकी सबसे ज्यादा कौन सा है? शाहरुख खान बहुत पसंद है। और वो सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं, शाहरुख खान मंच पे बहुत मतलब मुझे लगता है कि जितने भी हीरोज जितने भी अदाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में और कहीं भी, शाहरुख खान सबसे अच्छे मतलब इसको कहते हैं ना जिनकी बातचीत सबसे खूबसूरत है और रीढ़ है थोड़ी सी शाहरुख खान। शाहरुख खान में मैंने मतलब शाहरुख खान अपने आप में वो इंसान है जिन्होंने अपना मुकाम और मुकाम ऐसा बनाया कि मतलब आप दसियों साल तक उसकी सिर्फ बोलते रहिए कि शाहरुख खान ने कहां से शुरू किया और शाहरुख खान कहां, मतलब आपको शाहरुख की अगर पूरी जिंदगी की जर्नी को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत इंस्पिरेशन भी मिलेगा और इसलिए शाहरुख बहुत पसंद रहे। आज भी मैंने पार्लियामेंट में एक स्पीच में उनका नाम भी लिया, उनका जिक्र भी किया। तो गाने सुनते खूब, गाने में गजलें सुनता हूँ, गजलें ये आजकल के गाने नहीं सुनते? आजकल के गाने में कभी कभार कोई आ जाता है ऐसा कि मतलब चौंका देता है कि नहीं यार ये तो आजकल आया है लेकिन है ये पुराने जमाने का। हाँ। जैसे अभी वो एक फिल्म आई थी बाबू की फेरो ना नजरिया, हाँ। वो गाना थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी नया है नहीं ये तो पुराना वाला है इसका जी। इससे पहले बीच में वो लम्हे का वो गाना आया कि अगर तू नहीं है तो क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सब कुछ ऐसे थे जो बीच बीच में आ जाते हैं तो थोड़े से सुनने में अच्छे लगते हैं। बाकी तो फिर मेहदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, जगजीत सिंह जी, तो ये वाले जो आते हैं सबको सुनाएगा नहीं, इन सारे सुनने के बाद ना नहीं सुनते फिर भी आपको गर्मी लगती है तो हाय गर्मी का फिर वो मेरा पसंदीदा शौक है गाड़ी चलाना, खुद से ड्राइव करता हूँ। अच्छा ये मैंने कई जगह सुना भी है, उस दिन भी जब आप आए थे तो पता चलता है कि आपने ड्राइवर नहीं रखे हुए। हाँ नहीं रखा हुआ है, मैं अमूमन पार्लियामेंट भी खुद गाड़ी चला के जाता हूँ, अब जो कि वहाँ जाना रहता है तो पार्क वार्क करने के लिए तो एक आध किसी को रखना पड़ता है, कई लोगों में तो मजबूरी है कि आपको कोई चाहिए जो गाड़ी संभाल ले। बाकी मुझे मेरी मतलब कोई भी अच्छे या बुरे, वो मैं मेरे सेंस में वो बुरे शौक हैं लेकिन बहुतों के लिए अच्छे शौक होंगे, मैं पान सिगरेट बीड़ी गुटखा वाला आदमी नहीं हूँ, कुछ खाता पीता नहीं। महफिल कैसे जमती है? महफिल जमाने के लिए मुझे लगता है कि गॉसिप दोस्तों की बातचीत से बड़ा कोई खुमार नहीं, बड़ा कोई नशा नहीं मुझे लगता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और गाड़ी खुद चला के और गाड़ी में गजलें सुनना अपनी पसंद की यूट्यूब। तो ये आप ये सब जो पब वगैरह नहीं जाते होंगे? कभी जिंदगी में नहीं गया, एक भी चाहूंगा कभी जिंदगी ना, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। नहीं वो जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि क्यों जाना चाहिए, वहां भी आपके वोटर हो सकते हैं, मुझे लगता है ठीक है होने चाहिए उनसे बात कर लेंगे वो वहां पर काम करने गए हैं बेचारे उनको वो करने दो, वहां भी जाके राजनीति की बात करना, मुझे नहीं मैं कभी नहीं गया। और बहुत सारे दोस्त थे जो चाहते थे कई बार पकड़ने की कोशिश की, बाहर गए मुशायरों में तो वहां ले आ जा चलो यहाँ क्लब ये वो यार, हम उस पता लगता है उस मिट्टी के थे ही नहीं, वो मजा नहीं आया, मिट्टी नहीं थी तो इसलिए वो नहीं गए। और ठीक है वहां जो जा रहे हैं उनसे वो भी अच्छी थी, कोई आलोचना भी नहीं है, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मैं मुझे गजलें अच्छी लगी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको बहुत मतलब आज के दौर के गाने पसंद है, पॉप पसंद है और पता नहीं रैप और क्या क्या पसंद है। देखिए अच्छा एक बात बताऊं आपको, सबको कुछ भी पसंद हो लेकिन जब गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो वो 90s के गाने और वो गजलें ही चलती हैं ज्यादातर। आप कवालियां सुनिए पुराने जमाने की, आप जैसे होता क्या ना देखिए हम
हमारे दोस्त है दीपक रूहानी, तो वो बड़े मजे के आदमी, दीपक है और नाम रूहानी है, थोड़ा शायर भी है वो और बड़े लिटरेरी आदमी। तो उनकी बड़ी अच्छी सलाह रहती थी कि जैसे ये गजल है इसको आपने जगजीत सिंह जी की आवाज में सुना, अब इसको गुलाम अली की आवाज में सुनो, फिर इसको अगर मेहंदी हसन ने गाया हो तो मेहंदी हसन की आवाज में सुनो, फिर देखो कि इसको क्या नुसरत साहब ने भी गाया है तो नुसरत साहब की आवाज में सुनो, या बेगम अख्तर को सुना तो देखो कि उनकी गजलों को ट्रिब्यूट के तौर पे अभी कौन गा रहा है। तो वो जो एक खुमार होता है ना सुनने का, वो गुलाम अली साहब ने गाया तो कुछ अलग गाया, जगजीत साहब ने गाया तो कुछ अलग गाया, तो आप उस जोन में जब चले जाते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को उसकी लत भी लगाई थी, जैसे वो सुनते थे सामान्य गाने, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं आप ये सुनो। फिर एक बार मुझे लगता है कि ये सब जो संगीत है इसको बहुत लोगों ने सुना नहीं, हम तो उस दौर में पैदा हुए भाई के हमने टेम्प, उसे ऑटो नहीं कहते थे, हमारे टेम्पो टेम्पो चलते थे, तो गणेशी वाले में गणेशी वाले में कैसे चलते थे, तो उस समय तो अताउल्लाह खान का जमाना था याद है, मतलब वो टेम्पो से लेकर के और अच्छी अच्छी महफिलों तक कौन बजता था, अताउल्लाह खान, और अताउल्लाह खान के बारे में बड़ी कहानियां थी क्योंकि इंटरनेट नहीं आया था, तो अताउल्लाह खान हम लोग को सुनाया जाता था कि वो महबूबा के चक्कर में उसने गोली मार दी उसके प्रेमी को, और वो जेल में है वो इसलिए वो इतने दर्द में गाना गा, तो हम उन कहानियों से रिलेट करके उनके उनके गाने सुनते थे, तो हमने वो सुन सुन के बड़े हुए। तो फिर उसी समय अल्ताफ रजा भी आए, उनको भी सुना, क्योंकि हमें प्रतापगढ़ पढ़ने जाना रहता था, तो अपने गाँव से प्रतापगढ़ तक वो 15-16 किलोमीटर के सफर में टेम्पो और जीप में वो गाने गा सकते थे, हमने खूब सुना, मजबूरी में सुनो या गाँव की मोहब्बत में सुना। फिर जब अभी इंटरनेट आ गया, यूट्यूब आ गया, तो हमने देखा कि हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल किए गए तमाम ऐसे गाने, दरअसल वो सरहद के उस पार को कभी नुसरत साहब ने उनको गाया है, कभी किसी ने गाया है, तो उसका जो ओरिजिनल वर्जन सुनो ना तो लगता है कि नहीं यार संगीत सही है, तो वो एक आप तह तक जाने की जो एक जिद आपके अंदर बन जाती है ना, वो आपको बड़ा अलग बना देती है, मुझे लगता है सबको। अच्छा, ये गाने आज आज की डेट में भी आपको अगर आप सैलून पे जाएंगे, वो वाले सैलून नहीं, मल्टी स्टारर जो सैलून बन गए हैं उनमें नहीं, नॉर्मल सैलून में जाएंगे आज की डेट में भी वहां पे गाने चलते हैं, चुरा के दिल मेरा दूरिया चली, वो वाले गाने आज भी चलते हैं, और हम अगर ऐसे ऐसे जगहों पे जाना कम होता है। अच्छा, मैं तो मेरे साथ ये है कि मैं बहुत सारी जगहों पे गया तो मैं खुद को ही बजता हुआ पाता हूँ, मेरे मुशारे बज रहे होते हैं, मेरी कसमें बज रही होती है, मैं ऐसे कई बार होता है कि मैं हम लोग कहीं कार्यक्रम से लौट रहे हैं, बगल से एक ट्रक गुजरता है और उस पर फुल वॉल्यूम में मेरे साथ शुभमार खड़ा है, शुभमार मतलब हम सारे लोगों के साथ चौंक जाते हैं कि मेरी नज़्म बज रही है फुल वॉल्यूम में, बहुत सारे जगहों पे ऐसा हुआ कि आप गए तो आपकी नज़्म बज रही, तो वो सब भी तजुर्बे होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं ऐसी किसी जगह पर पहुंच जाऊँ और वो कुछ भी बजा रहा हूँ, चुरा के दिल हाय हुक बजा रहा हूँ, मैं उसको बंद नहीं कर रहा था, मैं सुन लेता हूँ, मुझे लगता है कि हमें सुनना चाहिए उसकी भावना का सम्मान करें, यही तो है टॉलरेंस, टॉलरेंस और राजनीति में मतलब आपको सबका सम्मान करें, हर संस्कृति का सम्मान करें। हम देखिए, हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक चीज सबसे खूबसूरत महसूस की कि हमें भारत बहुत बहुत विविधताओं भरा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है सब समान कर देंगे, यूनिफॉर्मिटी ला देंगे, अरे भाई आप केरल में हो, अलग भाषा है, अलग बोली है, अलग खाना है, आप वहां से बगल में आप तमिलनाडु घुसते हो बिल्कुल अलग है, आप कर्नाटक घुसते हैं बिल्कुल अलग है, या आप अवध क्षेत्र में आइए बिल्कुल अलग भाषा है, वहां से पूर्वांचल घुसिए अलग भाषा, कैसे आप एक कर देंगे भाई, और जो इस एक रूपता को मतलब विविधता को एक रूप कर देना चाहता है, दरअसल वो भारत भारत का दोस्त नहीं है, भारत की अच्छा ही नहीं है, और रस्ते में अलग अलग फूल ही तो इसकी खूबसूरती है, बिल्कुल तो गुस्सा आता है किसी बात पे, बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, बहुत आता है तो कब आता है और किस बात का आता है, पॉलिटिक्स नहीं, वैसे नहीं, व्यक्तिगत जिंदगी में भी बहुत कम गुस्सा होता हूं, मतलब मुझे लोग धीरे-धीरे ये कहते हैं कि बहुत ही भाई लोगों कहना है कि नहीं आप थोड़ा गुस्सा हुआ करवा करिए, मेरे साथ के लोग कहते हैं कि थोड़ा आप बदलाव का एटीट्यूड चेंज है, आप बहुत ज्यादा सरल हैं, आप सांसद हैं, आप ऐसा मतलब आप जैसे मैं आईसीसी गया एक घंटा सोच के गया कल एक घंटा बैठा, अब वहां पता चला कि 200 आदमी 250 आदमी 300 आदमी मिलने आया हुआ है,
तो फिर वो चाहे 6 घंटे लग जाए चाहे 5 घंटे लग जाए, मैं बैठा हूँ तो पूरा ऑफिस परेशान हो जाता है, इरिटेशन होती है किसी बात से। मैं इरिटेट होता भी हूँ तो जाहिर नहीं जाहिर नहीं बस मूर्खता पर इरिटेट होता हूँ लोगों की जो आजकल सहज तौर पर देखने को मिलती है। मूर्खता ज्यादा ऐसा माहौल बना दिया है। और कभी कभी आप कुछ देख रहे हो यूट्यूब पे या कहीं कुछ, तो ऐसे ऐसे मूर्खों को सुनना पड़ता है ना, तो लगता है कि यार ये इरिटेट कर रहा है, मतलब फिर कोई नेहात में है तो उसका कर देते हैं चेंज कर। देखने में कोई आपका कभी बचपन में बुलाते थे? छोड़िए जाने दीजिए वो सबके निकनेम होते हैं यार, वो तो हर आदमी का निकनेम गांव में मम्मी दोस्त रख देते हैं। लेकिन बहुत दिन से एक्चुअली हमने तो अपना तखल्लुस जो है ना, मैं तो प्रतापगढ़ से, बहुत सारे लोगों को आज लगता है कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी कैसे प्रतापगढ़ी, तो मैं अभी भी बता दूं कि एक परंपरा है कवि सम्मेलन, मतलब कवि और शायर अपने जिले का नाम अपने स्थान का नाम जोड़ लेते हैं, पॉपुलर मेरठी या फिर साहिल लुधियानवी या इस तरह के शकील बदायूनी मजहर सुल्तानपुरी, तो इस तरह के लोग जो मजरू साहब हुए सुल्तानपुर उन्होंने जोड़ लिया, बहुत सारे लोग। तो मैं प्रतापगढ़ में पैदा हुआ तो मेरा निकनेम कोई ऐसा चला नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे बाद का एक उपनाम जुड़ गया इमरान प्रतापगढ़ी, तो फिर अब इमरान प्रतापगढ़ी कोई ना बताए अगर तो फिर मुझे मतलब मैं खुद को अधूरा पाता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं मैं वो मैं अधूरा बन गया कुछ, तो बहुत सारे लोग सिर्फ प्रतापगढ़ी ही कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है मैं एक जयंती का कौमी जयंती का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन भी हूँ। और दो तीन चीजें रैपिड में पूछ लेते हैं। तो कॉफी चाय और कोल्ड ड्रिंक में से एक? अभी इन दिनों कुछ नहीं पी रहा हूँ ना कॉफी ना चाय, लेकिन इलाहाबाद में कॉफी हाउस पे गिलास में कॉफी पीने का जो स्वाद था वो खत्म हो गया। जो फिल्टर कॉफी मिलती है वो फिल्टर कॉफी क्या, वो इलाहाबाद में कॉफी हाउस है बहुत मशहूर, जहाँ कभी मतलब मोतीलाल नेहरू जी से लेकर के और फिर आप साहब से लेकर के किसने वहां बैठ के, चंद्रशेखर जी से कई प्रधानमंत्रियों ने बैठ के, नेहरू जी ने सबने कॉफी पी है वहां। तो इलाहाबाद अंदर तो हम लोग कम बैठते थे, तो बगल में ही मतलब एक छोटा सा उसका एक आउटलेट था, तो वो ग्लास में ला करके रोड पे ही कॉफी देता था। अच्छा, कांच के ग्लास में भरा हुआ ग्लास कॉफी का, वो जो 10 रुपए की कॉफी थी ना वो दुनिया में कहीं नहीं मिली यार वो अब मिलती नहीं, तो फिर अब लगता है कि फिर होंठ कौन जलाए, मुंह का स्वाद कौन खराब करे, तो फिर बंद ही कर दिया। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीता हूँ, कोल्ड और ड्रिंक जैसा कुछ भी नहीं है। गले का ध्यान रखना, गले का ध्यान जैसा कुछ नहीं, मतलब गांव का आदमी था, मतलब पीने पिलाने का कोई शौक नहीं था, तो उन लोगों को एक भ्रम था कि शायर तो जब तक पीता नहीं है तब तक शायर ही नहीं कर पाता, तो मैं मुशायरों में आया था भ्रम तोड़ने के लिए, जितने बने बनाए भ्रम थे कि बिना शराब की अच्छी शायरी नहीं हो सकती, बिना बिना दिल टूटे शायरी नहीं हो सकती, मेरे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे थे, मैं जहाँ गया ही नहीं था, मुझे उन विषयों पे शायरी करनी थी, तो मैं सारे ताले तोड़ रहा था, तो पीने पिलाने का कभी जिंदगी में कुछ हुआ ही। अच्छा, माउंटेन्स पे जाना पसंद है या बीचेस? एक्चुअली दोनों पसंद है, लेकिन जा दोनों जगह कम पा रहा हूँ। पहाड़ नहीं, नहीं अभी मेरा मानना है कि पहाड़ आप जब आप बहुत खामोश रहना चाहते हैं और मतलब आप अंतर मन से बातें करना चाहते हैं, तो खुद से बातें करना चाहते हैं तो पहाड़ जाइए। पहाड़ आपको सुकून देता है, समंदर आपको डराता है। क्या बात, समंदर में एक बेचैनी है, आप समंदर को महसूस करना है तो रात में समंदर के किनारे बैठे, तो जो शोर है वो डराता है आपको, वो बेचैनी महसूस होती है। और मेरा शेर है कि सब समझते हैं वाह वाह में हूँ, सब समझते हैं वाह वाह में हूँ, मैं मोहब्बत की बारगाह में हूँ, अपने आगोश में समेत मुझे ऐ समंदर तेरी पनाह में। तो समंदर आपको डराता है दरअसल, तो उस बेचैनी को महसूस करना होगा समंदर के किनारे जाइए, और खुद से बात करना हो, खुद से मिलना हो तो पहाड़ों पे जाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर बहुत टेक्नोलॉजी से वास्ता नहीं था, बट यूज क्या करते हैं? व्हाट्सएप, मतलब नहीं व्हाट्सएप कम यूज कर, अभी कम कर दिया, पहले बहुत यूज करता था एक टाइम पे, सबके जवाब देना, मतलब खफ रहता था ना कि किसी का मैसेज आया उसका जवाब देना, और फिर इतना लंबा दायरा हो गया कि फिर लोग शिकायत करने लगे कि आप जवाब नहीं देते, और अजीब तरह का एक आपको दुआ सलाम हाय हेलो भेजेगा,
फिर कैसे हो, एक बार आपने अगर रिप्लाई कर दिया तो फिर वो कन्वर्सेशन। अच्छा ये इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, वो बीजेपी वाला मैसेज आते हैं कभी व्हाट्सएप वाले? हां हां वो आते हैं इनकी मैसेज से फॉरवर्ड मैसेज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, यूनिवर्सिटी वाले आते हैं क्या आता है? मैं उसको पढ़ता हूं कभी पढ़ने के लिए। हां क्या 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 अरे मतलब अद्भुत है। दो चीजें हैं, या तो आप भोजपुरी गाने सुन लीजिए या बीजेपी के व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लीजिए, दोनों में हंसी आती है। मैं कभी मतलब जब मैं गाड़ी में अकेले बैठा हूं ना तो मैं मतलब मुझे लगता है कि आजकल भोजपुरी में क्या चल रहा है, तो मैं कभी कभी ऐसे लगा दिया न्यू भोजपुरी सॉन्ग, तो वो नए नए जो प्रतीक लाते हैं भाई लोग, वो अद्भुत है। मतलब इन शब्दों का खेल जो होता है वो बड़ा मजे का मजा होता है, और उनका बड़ा श्रोता वर्ग भी है। अरे बहुत बहुत बड़ा। फिर इसी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी बड़ा पाठक वर्ग है। हाँ। तो मैं दोनों अभी मैं एक कैफे में गया था, वहां बैठा हुआ था, तो ऐसी सज्जन से बात होने लगती, तो उन्होंने बोला कि ऐसी मेरी बात, मैं अक्सर पूछता हूँ किसको वोट देते हैं क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि महमूद जी वोट देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्यों देते हैं? कह रहे वो तो विश्व बन गए। मैंने कब बना? कह रहे कल ही मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया है और उसमें है कि मुझे ग्रुप बन गया, शुरू बन गया। तो मैं कहा ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं। तो ये अक्सर होता है मेरे साथ, होता क्या है मैं मतलब 10-12 साल से गुमनाम नहीं रह गया, मतलब जैसे होता ना कि शक्ल जानी पहचानी है, वो नदीम बुरहानपुरी का शेर है कि जमाने का भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है, तेरे चेहरे में ऐसा क्या है आखिर जिसे बरसों से देखा जा रहा है। तो हम तो टीवी पे आते नहीं थे, हम किसी बड़े परिवार से नहीं थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो हमें तो कभी टीवी ने जगह नहीं दी, चाहे वो मतलब साहित्य से रिलेटेड कार्यक्रम में हो या खबरों में। तो हम तो बेसिकली हम लोग तो सोशल मीडिया मोबाइल के बनाए हुए स्टार हैं, मतलब तो हमें बहुत करीब से देखा है लोगों ने, रात को दूर से नहीं देखा, हमें करीब से देखा है। तो हमारा चेहरा जो है ना ज्यादा सलीके से पहचानते हैं लोग, तो गुमनाम नहीं रहे। तो ऐसी किसी दुनिया में मतलब मैं कहीं भी चला गया, मैं दुनिया के जिस भी कोने में गया, मैं लंदन गया मुशायरों में, वहां भी पहचानने वाला कभी कभी। मैं जैसे मैं मेरा इलेक्शन था जब राज्यसभा के चुनाव लड़ रहा था मुंबई गया, तो 28 साल बाद 24 साल बाद वहां चुनाव हुआ, उससे पहले होता था निर्विरोध लोग हो जाते थे, अनुभव हो गया मेरे टाइम पे चुनाव हुआ, तो 10 दिन थे बड़े भारी थे, तो होटल में कितना बैठे आदमी, अब मिलना भी है विधायकों से मिलना है, मिलके चले आए, तो एक लेवल पे वो अजीब सी वहशत तारी होने लगती है ना। हम लोग की आदत नहीं है कि आप इतना रूम में बैठे हैं, अभी 15 दिन बेड पे रहना पड़ा तो समझ में आया कि यार आप भागो यहाँ से। तो मैं एक होटल में रुका था ताज लाइसेंस में, रात में 1 बजे के आसपास मेरे साथ कुछ दोस्त भी था, तो मैंने कहा चलो बाहर निकल रहे घूमते पैदल ही ऐसे। तो ये हुआ कि मास्क लगा, अच्छा मैं कैंडिडेट भी हूँ राज्यसभा, मतलब ये था कि नहीं अब आपको बहुत थोड़ा और एहतियात बरत के, तो मास्क और फिर उसके ऊपर एक और मास्क जैसा, फिर एक कैप और लोअर टी शर्ट और स्लीपर, निकले हम लोग बैंड स्टैंड और ऐसे ही पैदल। तो मेरे पीछे ऑटो वाला आकर रुका, और मैं इमरान प्रताप पड़ी, तो मैं चलता रहा, मैं कह रहा हूँ पहचान लेगा, चार लोगों को बताएगा। तो जो मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ गए, फिर वो थोड़ी थोड़ी आगे लेके गया, फिर पलट गया, बोला नहीं नहीं इमरान प्रताप पड़ी। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं इमरान, मैंने पक्का आवाज का तो और आदमी आवाज को पहचान लेता, मैंने फोटो खिंचवाओ, फोटो खिंचवाया तो उसने 10 और 8 वाले को बुला लिया, फिर आसपास लोग। तो ये एक बड़ा वो रहा कि आप गुमनाम नहीं रह गए लाइफ में। तो ये इस तरह के जो पाठक वर्ग है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, वो अपने को दूर से ही सलाम करके निकल गए कि नहीं यार ये दायरा ही नहीं बन पाया। हाँ, और सर्दी बरसात या गर्मी, कौन सा मौसम आपके लिहाज से आपको फिट बैठता है? मुझे लगता है कि सर्दी ज्यादा अच्छी है। सर्दी? हाँ, उसका कारण है कि आप धूप की तलाश में रहते हैं कि कुछ थोड़ी धूप मिल जाए, कपड़े आप खूब सारे अलग अलग तरह के पहन सकते हैं, कलर पहन सकते हैं, बारिश थोड़ी तो अच्छी लगती है, लेकिन बारिश अभी तो बारिश काफी अच्छी लगी होगी, मतलब नहीं अच्छी नहीं लगी। मैं जिस दिन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ बारिश ऐसी बात अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन उसी समय दिल्ली में बहुत सारे बच्चे बेचारे जो बारिश से परेशान थे, तो उनके लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए सामान लेके निकलना, तो फिर वो उनकी पीड़ा देख के आ रहा, तो फिर बारिश अच्छी नहीं। और गर्मी ठीक है, गर्मी का मौसम अजीब होता है, बस मतलब अजीब ही होता है, सर्दी ज्यादा अच्छी। कुत्ते पसंद है घर में रखते हैं? नहीं मतलब ठीक है हर जानवर अच्छा है, लेकिन पाले नहीं कभी। अच्छा, सनसेट और सनराइज?
मुझे लगता है कि मुझे सनसेट ज्यादा अच्छा लगता है। सूरज ढल रहा है कभी है यार, मैं तो सूरज हूँ ढलूंगा अभी तो जलने के लिए, तो वो ज्यादा वो आपको एहसास तो दिलाता है कि गुरूर में मत रहो, घमंड में मत रहो, जब सूरज ढल सकता है तो तुम्हारी क्या हैसियत है, तो वो आपको मतलब अच्छा इंसान बना के रखता है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को ढलते हुए सूरज को देखना चाहिए। काफी वक्त हो गया, बातें तो और हैं लेकिन लोग भी आपसे मिलने आने लगे। किताब पढ़ते हैं? खूब किताबें ही पढ़ते हैं, किताबों से दोस्ती है। सोशल मीडिया ने बड़ा नुकसान किया, मोबाइल ने बहुत नुकसान किया, रचनात्मकता का नुकसान किया, किताबें पढ़ना कम हो गई क्योंकि समय कम मिलता है। अच्छा आप किताब पढ़ रहे हो, किताब बहुत मतलब बड़े पर्सनल कनेक्ट हो रहा है और वो किताब की जो खुशबू है ना उसका एक नशा है, उस नशे से गुजरना चाहिए इंसान। और मतलब गुनाहों का देवता पढ़ते हुए बेतहाशा रोना, मतलब सिसकियां बन जाना हिचकियों में, वो सब बड़े प्यारे समय वो क्रिएटिव होती थी कि घर जाने के साथ मुझे 2 घंटे किताब पढ़नी है। हाँ मतलब वो जिद थी यार किताब, जैसे आज आपको सीरीज देखनी है ना, 4 एपिसोड बाकी है, अब लगता था कि नहीं यार हम बड़ी किताबें खूब पढ़ी, मतलब खूब सतही उपन्यास पढ़े, साहित्यिक उपन्यास पढ़े जो जिंदगी को समझा ना, इलाहाबाद को समझा गुनाहों का देवता पढ़ के। फिर मैं चूंकि हिंदी साहित्य से था तो हिंदी साहित्य की किताबें ज्यादा पढ़ी, और वैचारिकता क्या होती है इसको भी मैंने, देश में किस तरह की साजिशें हैं और इनकी राजनीति किस तरह की है, इन सब चीजों को किताबों के जरिए, कश्मीर को किताबों के जरिए जाना, कश्मीर का भविष्य किताब है बहुत अच्छी, उसको राजकिशोर जी के संपादित, तो मैंने किताबें खूब पढ़ी और मेरे पास अच्छा कलेक्शन है किताबों का। किताबें खरीदता हूँ मैं बुक फेयर में, इस बार भी सांसद होने के बाद मेरे ख्याल बुक फेयर में जाएंगे किताबें खूब सारी, और मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है मैं किताबें खरीदूँ। आप किताबें खरीदिए ताकि किताबें छप सके। कभी डर लगता है किसी बात से? जब आज के देश में जिस तरह की घटनाएं होती है उनको देख के कहीं ना कहीं क्रोध आता है, डर क्या, डर तो खुद किसी कुछ ऐसा नहीं है कि जो डर जैसा होने का कुछ जिंदगी नहीं, जिंदगी में जब आपने खुद से सब कुछ पाया हो, आपको विरासत में कुछ नहीं मिला तो खोने का डर नहीं, खोने का फिर बताएंगे तो खोने का डर कुछ नहीं। बस ये है कि गुस्सा आता है जो हालात है उनके, खुद पे कभी कभी गुस्सा आता है कि सुधार को नहीं पा रहा हूँ सारी चीजें। नेटफ्लिक्स देखते हैं? बहुत कम, लॉकडाउन में देखी कुछ सीरीज, देखी इंटरनेशनल सीरीज, देखी अच्छी सीरीज, देखी मनी हाइस्ट देखी थी क्या? नहीं देखी, नहीं देखी, अब समय नहीं मिलता, अब जब सेशन चलता है तो सुबह 10 बजे आपको बच्चे की तरह स्कूल जाने वाले बच्चे की तरह तैयार होना पड़ता है, और क्लास जैसे बच्चा होमवर्क करके जाता है ना वैसे आज के क्वेश्चंस लगे होंगे, ये सप्लीमेंट्री लगाना है, ये जीरो आवर है, ये स्पेशल मेंशन है, और वहां जाके एक शब्द सुनने को मिलता है हाउस एडजर्न, छुट्टी हो गई जाओ वापस घर। तो बहुत ही कोफ्त होती है, बड़ा गुस्सा आता है। मैंने तो कहा चेयरमैन साहब से, हमने कहा सर हम बड़े सपने लेके आए हैं सदन में कि हमें बात करनी है, बस मुद्दे उठाने, सरकार क्यों नहीं सदन चलने दे रही, आप तो सदन चलाइए, लेकिन सरकार ने तो पिछली बार भी उससे पहले सोच रखा था सदन नहीं चला। लाइफ में कभी टूटे हैं बुरा टाइम आपको याद आता है कि हाँ मेरी लाइफ में सबसे बुरा टाइम वो था? नहीं ऐसा सबसे बुरा जैसा कुछ, सब अच्छा ही होता है जिंदगी में, और हुआ भी कुछ बुरा, कहीं असफलता भी हाथ लगी, चुनाव हारा, लोकसभा चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, तो जिंदगी में पहली बार हार को महसूस किया, उससे पहले तो ये था कि जब आगे बढ़े तो बढ़ते चले गए, तो लेकिन ठीक है मुझे लगा कि हारे नहीं, हार मिली लेकिन हारे नहीं, ये एक सीखने का दौर, मुझे लगा मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर मुझे लगता है कि हर इंसान को जिंदगी में चुनाव लड़ना चाहिए, मतलब लिटरली अब बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें जिनको आप बिना चुनाव लड़े समझ ही नहीं पाते कि ये प्रक्रियाएं भी हैं, तो आप चुनाव जरूर लड़िए। और जब मैं राज्यसभा लड़ा तो राज्यसभा भी मतलब राज्यसभा कहने के लिए पार्टी ने आपको राज्यसभा भेज दिया, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ वो तो एक अलग ही प्रक्रिया है, उसमें तिकड़मबाजी और बहुत तिकड़मबाजी थी, और उसके बाद मेरा तो 8 घंटे काउंट नहीं होती थी। तो मैंने अभी महाराष्ट्र गया तो मैंने एक किस्सा भी सुनाया, मैंने अच्छा जब काउंटिंग रोक दी गई, ये हुआ कि 2 वोट पर ऑब्जेक्शन था, रिजेक्ट होंगे या नॉर्मल रहेंगे, तो हरियाणा की काउंटिंग रोक दी गई, महाराष्ट्र की। अब बॉक्स है, एक बॉक्स है जो खुलेगा तो ये तय होगा कि आप सांसद हैं या नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स है, और इधर दिल्ली से इंतजार है कि दिल्ली से इलेक्शन कमीशन कहे कि हाँ आप काउंटिंग करा सकते हो तो काउंटिंग कराओ।
सारे जो बाकी प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों के वो बाहर चले गए, मैं एक टकटक ही बैठ करके सामने सिर्फ बॉक्स देख रहा था। मुझसे एक आदमी ने आके कहा कि भाई चलो थोड़ा बाहर घूम के आते। मैंने कहा ना भाई, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं जानता हूं कि ये बॉक्स है ये कितना जरूरी है। बड़ा मतलब हंसा भी बाद में उसमें, और सब लोगों ने बाद में बड़ा इस पर चर्चा भी किया कि भाई पूरे 8 घंटे ये बैठे रहे। तो फिर बाद में काउंटिंग हुई, चुनाव जीता। तो बड़े मुझे लगता है कि वो हारने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, आप सीखते हैं। काफी लंबा सफर, काफी डिस्कस किया ना आपने। हाँ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बातचीत रही। और कादर फिर किया जाए। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी कुछ अच्छी दो नज्म हो जाए जो आपको लग रहा हो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। आज नहीं, अब मैं पॉलिटिक्स क्या करना, पॉलिटिक्स कर लेंगे हम। सरकार से ज्यादा सरकार से आज तो ये व्यक्तिगत बातचीत। हाँ, तो इसी में आप अच्छा था, वरना मुझे बहुत सारे सवाल हैं सरकार से। मुझे लगता है कि शायद क्या ही सुन रहा था, तो आधी तरह सुना दिया कि कोई सरकार से नहीं कोई सब। एक दिन ऐसा करेंगे, एक दिन शायरी पे करते हैं, एक राजनीतिक शायरी पे करेंगे, एक दिन मोहब्बत वाली शायरी भी सुनाता हूँ। ठीक है, आज तो बातचीत ही की गई और बातचीत अच्छी बात, अच्छी बातचीत, आपने सवाल अच्छे पूछे, मजा आया। ये लिखे नहीं थे मैंने बाय द वे सवाल, जो आप लिख के, मैं आज तक मैं लिख के कभी भाषण नहीं देता। बहुत सारे लोग कहते हैं तैयारी करके, मैं पार्लियामेंट भी लिख फिट के तैयारी करके नहीं, मुझे लगता है जो विषय है नहीं। ये तो मतलब ये जो आपने अभी बोला ना लिखने वाला, ये राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा नैरेटिव सेट किया। वो बिना लिखे अपनी स्पीच बोलते हैं और एक तरफ टेलीप्रॉम्प्टर चलता है। टेलीप्रॉम्प्टर से बोला तो फिर क्या बोला है, तो कभी कभी बंद हो जाता है। जब कभी एक आध बार तैयारी करके बोली तो बहुत खराब बोला, लोगों को अच्छा लगा, लेकिन बाद में खुद को एहसास हुआ कि नहीं यार, जब हम एक्सेप्ट वो बोलते हैं तुरंत बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे ही है, कोई इंटरव्यू कोई कुछ नहीं, अब हमें पता है कि आप हमसे थोड़ी पूछोगे कि आप चूस के खाना है या काट के खाना है, हमसे थोड़ी पूछोगे कि आप कौन सी दवाई लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हो। मैं थकता भी हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं इंसान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भारत का हर व्यक्ति इंसान रहे, इंसानियत रहे, व्यक्ति रहे, इंसानियत रहे, जिसको सरकार नहीं रहने देना चाहती। वो जैसे ये है ना कि आप सांसद हैं, आप राजनीति में हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आप कभी रो नहीं सकते, रोएंगे तो आप कमजोर माने जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि रोने वाला इंसान कभी भी कमजोर नहीं होता, रोने वाला इंसान बहुत बहादुर है, वो इतना बहादुर है कि वो अपने आंसू आपके सामने निकाल सकता है। तो कभी ये मत सोचिए, ये सब वो जरूरी चीज है जो आपको इंसान बनाए रखती है, और अगर आप इन चीजों को छुपा रहे हैं तो फिर आप अदाकारी कर रहे हैं, फिर तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप सही। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी तक हमारी ज्यादातर पॉलिटिकली बातें होती थी, आज पर्सनल बात हुई है, और आपने बता भी दिया कि आप शादी कब करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। सलमान खान की शादी, राहुल गांधी की शादी, 2024-2025 में आप जब फिर ये सवाल पूछेंगे तो नहीं, सवाल है तो जवाब देना, सवाल तो मैं पूछ चुका हूँ, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते वाली बात आ जाती।